बात है। तो बताइए, बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इंसर्शन सॉर्ट की क्या होगी? एनीवन? एन ऑर्डर ऑफ एन। तरीका रोमेन 1, 2, 3, 4, 5 वाला। 2 की कंपैरिजन 1 से होगी। अगर पासेस की पूछो तो कितनी होगी प्रदीप? नंबर ऑफ पासेस कितने होंगे इंसर्शन सॉर्ट में, बेस्ट केस में? ओएन O1 या ON? ओएन हो गए सर। और बबल सॉर्ट में कितने होते हैं, O1 या ON? ओवन O1। वेरी गुड। देखो, इसमें हमारा 2 की 1 से कंपैरिजन होगी, स्वैप नहीं होगा। नेक्स्ट पास में 2 की 3 से स्वैप नहीं होगा। नेक्स्ट पास में 4 की 3 से स्वैप नहीं होगा। नेक्स्ट पास में 5 की 4 से स्वैप नहीं होगा। हर पास में एक एक कंपैरिजन हुआ है, पासेस चले हैं n-1। तो पासेस की कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन है। हर पास में स्वैप एक भी नहीं हो रहा, टोटल स्वैप 0 है, तो स्वैप की हो गई ऑर्डर ऑफ 1। ओवरऑल भी कितनी हो जाएगी, ऑर्डर ऑफ एन। कंपैरिजन भी हर पास में एक हुआ है, तो कंपैरिजन की भी ऑर्डर ऑफ एन। बबल सॉर्ट में मैंने क्या बताया था, दोनों की ऑर्डर ऑफ एन होती है ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी, बबल सॉर्ट की भी, इंसर्शन सॉर्ट की भी। बेस्ट केस में ओ एन होती है, लेकिन बबल सॉर्ट का प्रोसेस क्या कहता है, यहाँ पे 1 की 2 से कंपेरिजन होगी, स्वैप नहीं होगा पहले ही पास में। फिर 2 की 3 से स्वैप नहीं होगा, 3 की 4 से स्वैप नहीं होगा, 5 की 4 की 5 से स्वैप नहीं होगा। पहले पास में, पास 1 में कंपेरिजन कितनी हो चुके हैं, कंपेरिजन हो चुकी है n-1। स्वैप कितने हुए हैं, 0। तो देखो दोनों में डिफरेंस क्या है, इसमें पास चला है 1, इसमें पास चले हैं n-1। ये दोनों में डिफरेंस है। देखो यहाँ पे 4 पास चले हैं, यहाँ पे पहले ही सर। पास में सॉर्ट हो जाएगा। ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी दोनों की सेम है, बट अगर क्वेश्चंस की बात हो जाए, देखिए ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी सेम है, और अगर हम स्वैप की कॉम्प्लेक्सिटी बोलें तो दोनों में ऑर्डर ऑफ 1 रहेगी, क्योंकि स्वैप तो किसी में भी नहीं हुआ ना बेस्ट केस में। मगर बात करें पास की कॉम्प्लेक्सिटी, तो बबल सॉर्ट में पास रहेगा ऑर्डर ऑफ 1, जबकि इंसर्शन सॉर्ट में पास हो जाएंगे ऑर्डर ऑफ एन, है ना। ये मैं दोबारा इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि आपने करे होंगे क्वेश्चन, तो हर क्वेश्चन के साथ आपकी चीजें मजबूत होती चली जाएंगी, ठीक है ना। तो इस रिविजन प्लस क्वेश्चन का इंटेंशन ये है, क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। तो इस क्वेश्चन का आंसर सर फिलहाल ऑर्डर ऑफ एन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा स्टेबल सॉल्ट नहीं है? आप जब सॉल्ट आंसर, हीप सॉल्ट, मैंने सॉल्ट आपको याद रखने के लिए बताया था कि स्टेबल को आप किस तरीके से ध्यान रखेंगे। हमने 6 सॉर्टिंग मेजरली की है, मर्ज, हीप, क्विक, बबल, इंसर्शन और एक्सचेंज सॉर्ट, है ना, या सिलेक्शन सॉर्ट, एक ही बात है। मैंने आपको करने का तरीका क्या बताया था, मर्ज में क्या होता है, मर्ज में हम क्या करते हैं, कंसिक्यूटिव में चलाते हैं, है ना। मर्ज में ऐसे ही तो हो रहा था। दो दो हाँ ज्वाइन करते हैं ना, मतलब सब हाँ को। दो दो को ज्वाइन करेंगे, मगर वो आपस में कंपैरिजन जो हो रही है कंसिक्यूटिव हो रही है ना, 2 के बाद अगली 4 को, फिर अगली 8 को, मगर कंपैरिजन तो पूरी की करके कर रहे हैं ना। बबल में भी कंपैरिजन ऐसे ही हो रही थी, और जब हम इंसर्शन सॉर्ट कर रहे थे जो हमने अभी इससे पीछे किया, उसमें भी ऐसे ही हो रही थी, है ना। जबकि हम सिलेक्शन सॉर्ट में क्या करते थे, पहले को मानते हैं, मिनिमम पूरे से कंपैरिजन करते हैं, जो सबसे छोटा आता है उसके साथ एक्सचेंज करते हैं। क्विक सॉर्ट में हम क्या करते हैं, पाइवेट एलिमेंट मानते हैं, इधर से कंपैरिजन करते हैं, जो इससे छोटा मिलता है उसके साथ एक्सचेंज करते हैं, करते हैं कि नहीं। हीप सॉर्ट में जब आप हीप पढ़ लेंगे, तो हीप का आपको तरीका मैं बता देता हूं कि हीप ऐसा होता है, मान लो इसको डिलीट करेंगे तो सबसे लास्ट वाले से इसको रिप्लेस कर देंगे। तो ये तीनों जो रिप्लेस वाले हैं ना, जिसमें एक को मानते हैं पूरे से करते हैं, तो ये रिप्लेस वाले तीनों स्टेबल नहीं रहते। स्टेबल क्या होता है, हमने बहुत डिटेल में कर रखा है, मगर यहाँ पे प्रोसेस करने के लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ, जब आप प्रैक्टिस करें ना, इस तरीके से ध्यान रखें। तो क्विक का प्रोसेस देखो, इससे एक फायदा क्या हो रहा है, एक तो क्विक का प्रोसेस हमें रिमेम्बर हो रहा है, दोबारा एक्सचेंज सॉर्ट या सिलेक्शन सॉर्ट में कि अच्छा हाँ मिनिमम या मैक्सिमम मानते हैं, पूरे से कंपेरिजन करते हैं। और आपको देखो इससे ये बात भी रिवाइज होगी, एक पास में केवल कितना स्वैप होता है, एक्सचेंज सॉर्ट में मैक्सिमम या सिलेक्शन में मैक्सिमम एक स्वैप हो सकता है। एक सर ये सबसे मतलब, अगर सिलेक्शन सॉर्ट पे क्वेश्चन कभी बनेगा तो यही बनेगा। इसकी स्वैप की वर्स्ट केस में कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन है, जो किसी की भी नहीं है, सब में ओ एन स्क्वायर जाएगी। क्लियर हो रही है बात? तो बबल सॉर्ट मतलब सर सिलेक्शन सॉर्ट से जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो यही है। तो अगर आप इस तरीके से चीजें ध्यान रखेंगे ना, हर क्वेश्चन के साथ इस चीज, देखो अभी आप पेपर के लिए नहीं कर रहे, पेपर में ये ड्रामा नहीं करना है, पेपर में तो आप डायरेक्टली क्या करेंगे, अच्छा स्टेबल पूछिए, हम क्या देखेंगे, मर्ज होती है, हीप नहीं होती, हम नीचे के पढ़ेंगे भी नहीं। बट स्टिल आप कभी कभी जल्दीबाजी में गड़बड़ हो जाती है ना, कुछ चीजें हमें याद रहती हैं कि अच्छा ये तो है ही, अगर नीचे देखते यहाँ पे इसकी जगह फॉर एग्जाम्पल ऐसा लिखा होता क्विक, आपको ध्यान आता है क्विक भी नहीं होती, तो क्या पता इसे आप कुछ और इंसर्शन सॉर्ट लिखा होता। कभी कभी हमारा दिमाग कुछ और पढ़ लेता है, तो उस टाइम पे एक बार नीचे तक निगाह मारने में 2 सेकेंड एक्स्ट्रा ये तो लग रहे हैं। क्लियर हो रही है बात? और प्रैक्टिस के टाइम पे तो ये काम कभी मत करना,
जैसा मैं प्रोसेस बता रहा हूँ इस तरीके से करेंगे ना, तो जब पेपर का टाइम आएगा ना, आपको दिक्कत होगी नहीं। कुछ सब्जेक्ट तो, कुछ सब्जेक्ट के कुछ टॉपिक और कुछ पर्टिकुलर पूरे ही सब्जेक्ट आपकी उससे हट जाएंगे कि इस पर आपको ध्यान देना है। ठीक है, याद रखने वाली चीज जैसे नेटवर्क की कुछ पर्टिकुलर चीजें ध्यान रखनी होंगी, वो करने का काम रह जाएगा तब। चलिए आगे करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा? हीप सॉर्ट। और कौन कौन स्टेबल नहीं है? हीप के साथ आपकी स्टेबल सॉर्ट जो नहीं है, क्विक भी स्टेबल नहीं सिलेक्शन होती, सॉर्ट, और सिलेक्शन सिलेक्शन सॉर्ट सॉर्ट या जिसका नाम है एक्सचेंज सॉर्ट, ये भी नहीं होती। तो ये तीनों भी यहाँ पे लिख लें, बाकी तीनों स्टेबल हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का ओके, ये ऑर्डर में कैसे लिखते हैं? ये जब हम कर रहे थे तब मैंने बोला था कि इसको बाद में करा देंगे, और इसका टाइम आ ही नहीं पाया है ना, ऑर्डर वाला लिखने का काम हो ही नहीं पाया। समझ रहे हैं आप बच्चों? मैंने बताया था ऑर्डर यानी बिग ओ, ओमेगा और थीटा नोटेशन हम बाद में करेंगे जब हमने क्वेश्चंस करना शुरू किया था, क्योंकि सबसे स्टार्टिंग में आ गए थे। मैंने कहा था कि बेस्ट केस में हम इसको यूज करते हैं, ये वर्स्ट केस के लिए यूज होता है, और ये एवरेज केस के लिए हम यूज करते हैं। बेस्ट के लिए, ये वर्स्ट के लिए, और ये एवरेज के लिए। कोई बात नहीं, अब कर लेते हैं। यहाँ पे बच्चों कैसे लिखने का तरीका होता है, पहले एक बार ये देख लीजिए हम कैसे लिखते हैं। पहले इनमें से क्वेश्चन था ये, एफ एन को ऑर्डर ऑफ जी एन लिखते हैं कब, जहां सी क्या है, कॉन्स्टेंट है, और एन भी कॉन्स्टेंट है एक तरीके से, बट एन होता है नेचुरल नंबर। ठीक, अब यहां पे लिखने का तरीका इसने दे दिया कि कैसे लिखते हैं। देखिए बच्चों, एफ एन को ऑर्डर ऑफ जी एन में तब लिखते हैं जब एफ एन हमेशा, मतलब अब इसमें मैं कहूं कि ये समझने वाली चीज है, समझने का काम इसके बाद में, पहले इसको देख लीजिए ये होता क्या है। ठीक है, एफ एन जब लेस देन इक्वल्स टू होगा सी और जी ऑन जी ऑफ एन से फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन, तो पहला ऑप्शन इस कंडीशन को कहता है। ठीक है, अगर ये होता एफ एन क्या को कब लिखेंगे हम, ओमेगा जी ऑफ एन में, तो वो कब लिखेंगे? जैसे ये इसके लिए तो आंसर क्या हो गया बच्चों, ऑप्शन ए। अगर ये होता ना क्वेश्चन कि एफ एन दे रखा है क्या, ओमेगा जी एन, और सी ये आगे का क्वेश्चन सेम है, तब आपका आंसर होता ये वाला। क्लियर हो रही है जी बच्चों? इसके लिए मतलब ये दोनों। और देखो अगर ये होता क्या, एफ एन इक्वल्स टू थीटा जी ऑफ एन, ये कब होता है? जब ये इक्वल टू वाली कंडीशन होती है, मतलब किसी को समझ लो कि मान लो ये केवल इक्वल टू दे रखा था, तो कब कब तब कौन सा लगाएंगे हम, थीटा वाला। ठीक, फिलहाल हम इन दोनों केसेस को डिस्कस करते हैं, ओमेगा को, और एक भी समझ में आ जाएगा, तीनों समझ में आ जाएगा, नो प्रॉब्लम। देखिए बच्चों लिखने का तरीका, सी क्या है, कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट का मतलब आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो, लाइक 1, 2, 3, 4, 5, 10, 1000, जो आपको लेने का मन हो, एनी कॉन्स्टेंट, वट एवर यू वॉन्ट टू टेक। क्लियर हुई बच्चों? सी की वैल्यू हम क्या लेंगे? अब ये एन की सर वैल्यू, जो ये एन है वो एन क्या है, एन देखो क्या कह रखा है इसने, ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या, एन, एन मतलब नेचुरल नंबर। एन क्या है बच्चों? हेलो, एन क्या नंबर है? नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर तो नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, वन से, है ना? सर वन यानी से एन की वैल्यू आपको नेचुरल नंबर के बराबर या बड़ी लेनी है, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, लाइक दिस आपको वैल्यूज लेनी है। ये बात समझ में आ गई या नहीं आई? यस सर ठीक है, अब आपको करना कैसे होता है, कब आप किसको ऑर्डर में लिखते हैं, ओमेगा में लिखते हैं, वो चीज आप यहाँ पे समझ लीजिए। देखिए अगर मैं यहाँ पे लिख रखा है, मान लो एफ एन कोई फंक्शन है, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी एन आ रही है, क्या आ रही है, एन आ रही है, और मान लो जी एन की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आ रही है, एन स्क्वायर, तो आप मुझे बताइए क्या एफ एन छोटा है जी ऑफ एन से, या एफ एन बड़ा है जी ऑफ एन से? जनरल टर्म में पहले ये बताइए, छोटा छोटा है ना? छोटा ये बात समझ आ रही है भाई, छोटा है ना? यस अब अगर ये छोटा है तो मैं इसको लिख सकता हूं एफ एन बराबर ऑर्डर ऑफ जी ऑफ एन, बोलिए लिख सकता हूं। सर अब आप इसको यहां पे देखेंगे भी ना, तो एफ एन हमेशा लेस देन इक्वल्स टू होगा किससे, एनी कांस्टेंट की वैल्यू रख दो और जी ऑफ एन से, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन। क्या ये बात इस पे ट्रू हो रही है? देखिए आप एफ एन की वैल्यू क्या है बच्चों, एन है ना, एन है कि नहीं है, एन हमेशा लेस देन इक्वल्स यस टू होगा एनी कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5, वट एवर यू वॉन्ट टू टेक आप रख सकते हैं, हमेशा एन स्क्वायर से छोटा है कि नहीं है बता दीजिए, तब आप इसको ये चीज लिख सकते हैं। मान लीजिए इसको आप ये नहीं लिख सकते, क्या आप अगर इसको ये लिखना चाहते हैं ना ओमेगा, तो आप नहीं लिख सकते, क्योंकि ये कब लिख सकते हैं हम, ओमेगा कब लिख सकते हैं, जब आप इधर वाला बड़ा हो, मतलब जब ये वाली चीज बड़ी होती है ना, ग्रेट
अगर एफ एन बड़ा होता, लाइक आप के एन पे लिख सकते थे, अगर मैं ऐसा करूं ना के एन ओमेगा जी ऑफ एन, तब आप लिख सकते हैं, देन दिस इज ट्रू। मेरे ख्याल से समझ आ गई होगी बात कि नहीं आई होगी। अरे अगर के एन के केस में होता सर। तो ये बात बिल्कुल सही होती, ठीक है। और अगर मैं लिखूं एफ एन इक्वल्स टू ओमेगा जी एन, सही है, देखो ना एफ एन की वैल्यू क्या है एन और जी एन क्या है एन स्क्वायर, क्लियर है। अगर मैं ऐसा लिखना चाहूं एफ एन इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ के ऑफ एन, तब भी सही है। अरे एफ एन क्या है एन और के एन क्या है बच्चों एन क्यूब, तो एन एन क्यूब से छोटा ही होता है ना। बोलिए, यस सर। मैं आपको अब एक बढ़िया एग्जाम्पल देके बताता हूँ जिसमें आपको क्लियर हो जाएगी और अच्छे से बात। एफ एन है एन क्यूब और जी ऑफ एन है एन टू की पावर एन, क्या लिखना चाहिए बताइए, एफ एन इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ जी ऑफ एन या एफ एन इक्वल्स टू ओमेगा जी ऑफ एन, बोलिए वर्षा। सर वो ये बिग ओ जी ओ एफ एन। कौन सा ऑप्शन नंबर ए या बी? हाँ ए। ए। अच्छा बच्चों अगर हमें कभी ये चीज समझ में ना आए तो मैंने आपको एक चार्ट बनाया था, जैसे वन से बड़ा क्या होता है लॉग एन, इससे बड़ा क्या होता है एन, इससे बड़ा एन लॉग एन है ना, इससे बड़ा एन स्क्वायर, ऐसे 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 करते हुए चल सकते हैं। फिर टू की पावर एन बड़ा होता है, इससे बड़ा आप लिख सकते हैं क्या क्या एन की पावर एन है ना, ऐसे ही करके चार्ट बनाया था ना, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एन क्यूब बड़ा आ रहा था कि टू की पावर एन बड़ा आ रहा था, ओके पावर एन। है ना। अब वर्षा यहाँ पे आप लोग एक बार रख के देखिए एफ एन हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, हम एफ एन को ऑर्डर ऑफ जी ऑफ एन कब बोलते हैं वर्षा, जब एफ एन छोटा लेस होना देन। चाहिए सी की वैल्यू रख के जी ऑफ एन से, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन, यही तो फॉर्मूला कहता है। हेलो, यस सर। है ना। अब हमें एक चीज पता ही है, अगर हम यहाँ टू की पावर एन ले रहे हैं और यहाँ हम एन क्यूब ले रहे हैं, अगर एन की वैल्यू में वन रखता हूँ ये आएगा टू ये आएगा वन, टू लेता हूं तो टू की पावर टू आता है फोर ये आता है एट, थ्री लेता हूं तो ये कितना आता है टू की पावर थ्री एट आता है और ये हो जाता है 27, 27। और अगर मैं फोर लेता हूं तो ये होता है 16 और ये होता है 64, ऐसे करते करते अगर मैं नाइन लेता हूं तो नाइन के लिए टू की पावर नाइन कितना होता है 512 और ये होता है 729, होता है कि नहीं? हेलो, यस सर। ये बात सही है ना, मगर आपको पता है 10 रख के कितना होगा 1024 और ये 1024। 1000, इसके बाद हमेशा कौन बड़ा होता है एन क्यूब छोटा एन ही क्यूब रहेगा, बड़ा छोटा कौन फिर रहेगा तो एन बड़ा। टू की पावर एन बड़ा रहेगा, है ना। अब अगर मैं यहाँ पे इसको फॉर्मूले में रखता तो एक बात बताओ वर्षा, अगर मैं एन की वैल्यू टू रखूं तो बड़ा कौन रहेगा, एफ एन बड़ा है कि जी ऑफ एन बड़ा है? पी हेलो, ऑफ एन बड़ा है। जी ऑफ एन बड़ा है ना, तो ये बात तो फॉर्मूला गलत हो रहा था, इसीलिए तो ये सी कॉन्स्टेंट दे रखा है। यस अगर सर। मैं कॉन्स्टेंट की वैल्यू मान ले मैंने 50 रख ली, तो हमेशा अब देख शुरू की भी जो 10 वैल्यू के लिए बात फॉल्स हो रही थी ना, ये वाली जो 10 वैल्यू के लिए बात फॉल्स हो रही यस थी, सर। इनके लिए भी ये फॉर्मूला ट्रू रहेगा। अब आप कहोगे सर इससे तो बढ़िया मान लो, इससे तो इसे उल्टा लिख दो, और सी की जब हम कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं तो हम बहुत बड़ी कोई वैल्यू रख लेंगे, फिर तो एफ एन बड़ा हो जाएगा। मगर बच्चों आपको पता है आप कितना भी बड़ा नंबर रख लीजिए, है ना, जैसे जैसे आप आगे चलेंगे टू की पावर एन ही उससे बड़ा हो जाएगा कि नहीं भाई, यस आप सर। 50 को उनटी में रख भी दो, एफ एन को इधर रख दो। हेलो, आप यहाँ पे चाहे रख के देख सकते हैं, आप इसके साथ 50 की इंटू करना शुरू कर दो, है ना, यहाँ पे भी 50 की इंटू करोगे तो कितना हो जाएगा 50,000 हो जाएगा कि नहीं। यस मगर सर। 2 की पावर 20 कितना होता है, 2 की पावर 20 कितना होगा बच्चों, 2 की पावर 20 टू कितना होता है 1 मिलियन होता है अराउंड, है ना भाई, 2 की पावर 20 यस वन सर। मिलियन 10 लाख से ऊपर क्रॉस हो जाएगा, आपको पता है 2 की पावर्स में आप खेलते हो, ठीक 1 मिलियन हो जाएगा। यहाँ पे 10 की अगर हम रख भी दें 20 का क्यूब तो 20 × 20 × 20 कितना हो जाएगा 8, 1, 2, 3 8,000, इसकी 50 से मल्टीप्लाई कर भी दो 0 आ जाएगा, 8 × 5 = 40, अभी भी कितना हुआ है 4 लाख, छोटा रह गया ना अभी। हेलो, अभी यस तो सिर्फ सर। हम 20 तक पहुंचे, एन की वैल्यू 20 रखी है और एन तो आपको कहां तक रखने हैं, एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन, तो आप किसी भी कॉन्स्टेंट को रख लो, यहाँ पे आप एन क्यूब रखने की कोशिश करो, 2 की पावर n इससे छोटा करने की कोशिश करो, कभी भी नहीं होगा। कोई एक नंबर n का मान लो, चाहे ये 10 हो, अभी तो जैसे 20 पे ये बड़ा हो गया था ना 50 रख के, आप इसे 50,000 कुछ भी रख लीजिए, मान लो ये थोड़ा और आगे चलेगा तब ये बड़ा हो जाएगा। क्लियर हुई बच्चों या नहीं? यस। अब ये पता है सी क्यों रखते हैं, सी ये इसलिए रखा
अब अगर हम यहाँ पे देखते हैं, हमें पता है इन वाली कंडीशंस के लिए बड़ा कौन है बताइए, इन वाली कंडीशंस के लिए ये वाली बात ट्रू हो रही है। मगर आप वैल्यू रखो 1 to 9, यानी 1 to 10, सॉरी 1 to 9 तक के लिए ये बात फॉल्स साबित होगी। मगर सी की कोई वैल्यू ले लो, जैसे मैंने 50 रखा, जबकि जरूरी नहीं है 50 से ही काम चले, 10 से भी शायद चल जाएगा। आप इंटू 10 से कर लीजिए, यहाँ पे काम चल जाएगा। क्लियर हो रही है? यहाँ पे सबकी 10 से मल्टीप्लाई कर दो, इससे बड़ा ही हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा एन क्यूब से। तो बस ये कहानी सर है। तो मेरे ख्याल से अब ये बात समझ में आ गई होगी कब सी में रखना है। अब इसको शॉर्ट एंड ब्रीफ करते हैं, आपको एफ एन बराबर ऑर्डर ऑफ जी एन कब रखेंगे हम, जब ये वाली चीज छोटी होगी। ओमेगा कब रखेंगे बच्चों, जब ये वाली चीज बड़ी होगी। तब बड़ी इसे होगी। ओमेगा की टर्म में लिखना है, जब छोटी होगी तो ओ की टर्म में लिखना है। टर्म छोटी है या बड़ी इस चार्ट से आपको पता चल जाएगा। क्लियर है? अब ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें चार ऑप्शन दे रखे हैं, इन चार ऑप्शन में बताइए कौन कौन सी बात सही है। अब देखो, एफ एन ऑर्डर ऑफ जी एन लिख सकते हैं क्या? एफ एन क्या है? एन। यस और सर। जी एन क्या है? एन स्क्वायर। यानी लिख सकते हैं, ये बात सही है। क्लियर? एफ एन बराबर ऑर्डर ऑफ के एन लिख सकते हैं, ये एन है, ये एन क्यूब है, ये इससे छोटा ही होता है, ये भी सही है। के एन बराबर ऑर्डर ऑफ जी एन लिख सकते हैं क्या? के एन की वैल्यू नो क्या है? एन क्यूब। और ऑर्डर ऑफ सर। जी एन, जी एन क्या है? एन स्क्वायर। ये बात हम नहीं लिख सकते। यहाँ पे के एन बराबर ऑर्डर ऑफ जी एन लिख सकते हैं क्या? के एन है आपका एन क्यूब, ये है एन स्क्वायर, यानी लिख सकते हैं। इसमें से ये क्वेश्चन बनता तो ये पूछ लेता विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। मेरे ख्याल से ये टर्मिनोलॉजी क्लियर हो गई होगी। क्लियर है भाई सबको? यस बाकी ये फॉर्मूला हो गया, ये भी आपको क्लियर हो गया होगा, है ना? इज इट फाइन? ये तब टॉपिक छूट गया था। बाकी इसको एक बार क्लास में कभी और कुछ क्वेश्चन आएगा तो डिटेल में भी कर लेंगे। मेरे ख्याल से इतना भी पेपर के लिए तो मोर देन इनफ है। ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट थी इसलिए बता दी, पेपर में ही आई हुई है। ठीक, इसके बाद हम करते हैं वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बाइनरी सर्च। बहुत इजी है, बताइए वर्स्ट केस सर। लॉग एन। ओके, आपको इसका रिकर्सिव फॉर्मूला है ना? इसका रिकर्सिव फॉर्मूला क्या होता है बाइनरी सर्च का? क्वेश्चन तो ऐसे भी बन सकता है ओ एन बट ना। टी एन इक्वल्स टू, बताइए इसकी फॉर्म में क्या होता है बाइनरी सर्च का? सर 2 n/2 + 1 टू टी एन बाई टू प्लस एन, एन। हाँ प्लस एन बाइनरी उसको सर्च का। ब्रेक करने के। अच्छा, अब इसको जरा वो करके देखना। ओके, इसके ऊपर हमने वो लगाना सीखा था मास्टर्स मेथड, इसके अकॉर्डिंग क्या कॉम्प्लेक्सिटी आएगी ना? मास्टर्स लगाओ इस पे। मास्टर लगाएंगे तो कैसे करते थे? एन की पावर लॉग बी बेस ए निकालेंगे, 2 बेस 2, क्या आ जाएगा? ये इक्वल्स टू एन के बराबर आ जाएगा। और ये और तुम्हारा फंक्शन दोनों इक्वल है तो आंसर क्या हो जाएगा? एन लॉग एन। तो क्या बाइनरी सर्च की कॉम्प्लेक्सिटी एन लॉग एन होती है? वो आपने बताया अभी लॉग एन होती है, तो यानी कि ये इसका रिकर्सिव फॉर्मूला नहीं है, है ना? +1 आएगा। सर ओके, सुनते रहो भाई, इसकी इसकी तो सुन लो। +1 कर लो ही ना, तब एन की पावर लॉग बी बेस ए की वैल्यू कितनी आएगी? मैं आपको ड्राइव करना सिखा रहा हूं, सभी बच्चे देखो एक दूसरे की गलतियों से सीखो भी। अब इस ये +1 लगा रही है। ओके, एन की पावर पढ़ना और करना दोनों में बहुत डिफरेंस है, और आप ये काम सीख गए ना जो मैं यहाँ पे सिखा रहा हूँ। क्लास में पढ़ना इंपॉर्टेंट इसलिए होता है, जब कोई दूसरा बोलता है ना उसकी गलतियों से हम सीखते हैं, इसलिए पार्टिसिपेट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और दूसरे की सुनना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, एन की पावर लॉग बी बेस ए, हिना ने ये चेंज किया है ना, चेंज करके कभी भी डायरेक्ट मत कर लो। अब इससे देखो कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आएगी, एन की पावर लॉग बी बेस ए, क्या आंसर आएगा? एन। एन और 1 में बड़ा कौन है? एन। तो यानी आंसर क्या आ गया? ऑर्डर ऑफ एन। क्या ऑर्डर ऑफ एन कॉम्प्लेक्सिटी होती है बाइनरी सर्च की? है नहीं ना? सर। नहीं होती ना? बढ़िया। नहीं होती ना? है ना? नहीं होती ना? अब मैं आपको बताता हूं बाइनरी सर्च में क्या होता है, अगर आपके पास एन एलिमेंट है ही टी एन ना। बाई 2 + 1 ओके, टी एन बाई टू प्लस वन होती है, सही है। बट एक बात बताइए, कैसे इसको हिना, इसको ऐसे याद नहीं करना है। बाइनरी सर्च में हम क्या करते हैं, हमारे पास एन वेरिएबल्स हैं, एन वैल्यूज हैं, हम हाफ करते हैं। अब या तो ऊपर वाले हाफ पे काम होता है या नीचे वाले हाफ पे काम होता है, यानी टी एन इक्वल्स टू केवल एक ही हाफ ले बचता है। अगर 100 एलिमेंट थे ना तो अगली बार कितने एलिमेंट बचेंगे? 50। और ब्रेक करने में टाइम जो लगा है ये यहाँ पे आता है, ये है 1। इसलिए इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? टी एन इक्वल्स टू, देखो बच्चों याद करना इंपॉर्टेंट, सभी लोग याद करते हैं, मगर ये जो मैं लिख रहा हूं और अब जो बोला है मैंने, ये याद करना नहीं है, ये एक्सप्लेनेशन है इसकी, कि हमारे पास 100 एलिमेंट थे, अगली बार हम सिर्फ कितने एलिमेंट पे काम करते हैं? 50 पे।
और ये वन क्या है, ब्रेक करने में लगा टाइम। क्लियर हुई है ना। अब जो आप बता रहे थे टी एन इक्वल्स टू टू टी एन बाई टू प्लस एन, ये क्या है, जब हम क्विक सॉर्ट पे काम करते हैं, क्विक सॉर्ट हमारी दो लिस्ट में ब्रेक कर देता है, बेस्ट केस में कि आधी बची इधर, पाइवेट एलिमेंट आया इधर, आधी बची इधर, मुझे कि इसको भी सॉल्व करना पड़ता है और इसको भी सॉल्व करना पड़ता है, यानी टी एन ने जो दो लिस्ट बनाई इन दोनों लिस्ट को सॉल्व करना है, और प्लस इसमें ब्रेक करने में लगा टाइम होता है एन, इसलिए ये बनता है टू टी एन बाई टू प्लस एन। और इसे आप मास्टर से सॉल्व करेंगे तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी आएगी ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन, और यही क्विक सॉर्ट की बेस्ट केस में कॉम्प्लेक्सिटी होती है। और वर्स्ट केस में मैंने आपको बताया था क्विक सॉर्ट कब वर्स्ट केस देता है, जैसे ये है ऑलरेडी सॉर्टेड, इसमें लिस्ट को ये दो, जैसे ही पूरा इधर से कंपैरिजन करेगा, ब्रेक दो पार्ट में होगी, टी एन इक्वल्स टू अगली बार पार्ट कैसे बने, एक साइड एक भी एलिमेंट नहीं है और एक साइड बचे एन माइनस वन एलिमेंट, ब्रेक करने में टाइम लगा एन। अब इससे क्या होगा, अगर आप इसको सॉल्व करके भी देखेंगे टी एन इक्वल्स टू टी एन माइनस वन प्लस एन, तो ये सॉल्व करके ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर आएगा, और ये क्विक सॉर्ट की वर्स्ट केस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है। तो ये क्विक सॉर्ट का है आपका रिकर्सिव फॉर्मूला वर्स्ट केस के लिए, और टी एन इक्वल्स टू टू टी एन बाई टू प्लस एन ये है बेस्ट केस के लिए, इसलिए बेस्ट केस में कॉम्प्लेक्सिटी और ये वर्स्ट केस में कॉम्प्लेक्सिटी। मेरे ख्याल से इसकी गलतियों से आप बहुत कुछ सीख गए होंगे सारे। हाँ जी एक्सक्यूज मी बोलिए। सर, सर जी। इसमें जैसे ऑलरेडी सॉर्टेड है क्विक सॉर्ट में ना, तो सर इसमें पासिस कितने चलेंगे? किसमें, क्विक सॉर्ट में हाँ जी, अगर एलिमेंट सॉर्टेड है तो वर्स्ट पासेस, केस में। हाँ तो पासेस इसमें एन चल जाएंगे। देखो अगर टी एन इक्वल्स टू पहली बार मान लो तुम्हारे ये एलिमेंट होते एक दो तीन चार पांच, पूजा आप इधर से चले पहली बार में, जब ब्रेक पहले पास, अगर पासेस आप चला भी रहे हैं पहले पास में क्या हुआ, ये ब्रेक हो गई, अब इसके ऊपर काम करेंगे, फिर ये टू थ्री फोर फाइव, टू को पाइवेट मानेंगे फिर ब्रेक होगी, फिर थ्री फोर फाइव फिर ब्रेक होगी, फोर फाइव। बट आप कहीं पे भी कुछ भी क्वेश्चन उठा के देखेंगे, किसी भी कॉम्पिटिशन में आज तक ये क्वेश्चन नहीं आया है कि पासेस कितने बनेंगे मर क्विक सॉर्ट में। बट स्टिल देखो मैं क्या कह रहा हूँ, हमें कोई रट के काम नहीं करना है, पेपर में आ गया कि वर्स्ट केस में कितने पास चलेंगे, मैं ये कह रहा हूँ पहली बार आप जिंदगी में क्वेश्चन सुन रहे हैं, बट जैसे आपने मुझसे पूछा मैंने पहली बार ये क्वेश्चन सुना है ना, नो प्रॉब्लम, मुझे क्विक सॉर्ट का वर्स्ट केस पता है ना किसको बोलते हैं, कि आप उसको चला के नहीं देख सकते क्या, आंसर आ जाएगा। दिस इज वॉट आई वॉन्ट टू टीच यू, आपको क्वेश्चन क्रैम नहीं करना है, आपको प्रोसीजर क्रैम करना है, और क्रैम भी नहीं करना वो समझना, समझने को क्रैम करना कहो या वट एवर यू वॉन्ट टू से। जैसे मैंने क्या बोला अभी, मैं जैसे आप लोग क्या कर रहे हैं बच्चों, हिना जैसे आप कर रहे हैं कि आप ये याद कर रहे हैं टी एन प्लस वन, मैं कह रहा हूँ इसको याद नहीं करना है, आपको प्रोसेस याद करना है कि बाइनरी सच में अगर एन एलिमेंट है तो हम अगली बार एन बाई टू पे काम करते हैं, प्लस ब्रेक करने में टाइम लगता है वन, क्योंकि आप कैसे ब्रेक करते हैं, एम इक्वल्स टू बिगनिंग प्लस एन बाई टू मिडिल निकाल के। क्लियर हो रही है बात। जबकि क्विक सॉर्ट में अगर एन एलिमेंट है तो बेस्ट केस में हमारे पास कैसे ब्रेक होती है लिस्ट की, एक तरफ हाफ बचेंगे और दूसरी तरफ भी हाफ बचेंगे, पहले मैं इस हाफ को सॉल्व करूंगा फिर इस हाफ को, और ब्रेक करने में टाइम एन लगता है, इसलिए टू टी एन बाई टू प्लस एन बनता है। और ऐसे ही वो, तो मैं कह रहा हूं आपको प्रोसेस क्रैम करना है ना कि क्वेश्चन। क्लियर हो गया सबको भाई। ओके यस सर, नेक्स्ट, टाइटेस्ट अपर बाउंड। टाइटेस्ट अपर बाउंड से आप क्या समझ रहे हैं, टाइटेस्ट अपर बाउंड, अपर बाउंड का मतलब वर्स्ट केस हो गया बेस्ट केस। है ना, वर्स्ट केस बन गया। दैट रिप्रेजेंट नंबर ऑफ स्वैप रिक्वायर्ड टू सॉर्ट एन नंबर्स यूजिंग बबल सॉर्ट। मतलब क्वेश्चन इसने ये नहीं पूछा बबल सॉर्ट की कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, क्वेश्चन इसने ये पूछा है बबल सॉर्ट में वर्स्ट केस में स्वैप की कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है ना। अब मैंने आपको प्रोसेस करने के लिए क्या बताया था कि आप 5 4 3 2 1 मान लीजिए है ना, अब हमें पता है वर्स्ट केस में हमने ये मान लिया कि अपोजिट सॉर्टेड है, मुझे इसे कैसे करना है, असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। अब याद करने की जरूरत नहीं है, मैं कह रहा हूं शुरू में जब प्रैक्टिस करनी है, तो आप क्या करेंगे 5 की 4 से कंपैरिजन, 4 ऊपर 5 नीचे, फिर 4 की 3 से होगी 3 ऊपर 5 नीचे, 3 की 5 से 2 ऊपर 5 नीचे, 5 की 1 से 1 ऊपर 5 नीचे, पहले पास में कंपेरिजन कितनी हो गई है एन माइनस वन, स्वैप कितने हो गए एन माइनस वन, हो गया कि नहीं। दूसरा पास चलेगा तो आपको दिख ही रहे हैं कि दूसरे पास में स्वैप हो जाएंगे एन माइनस टू, अब करके देखने की जरूरत नहीं है, कल मैंने समझाया था आप समझ गए होंगे, यानी वन से एन माइनस वन स्वैप भी कितने होंगे ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, कंपेरिजन भी कितने होंगे ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, ओवरऑल भी कितनी आ जाएगी ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, इसने क्वेश्चन सिर्फ स्वैप पूछे हैं तो स्वैप आ जाएंगे। क्लियर हो गई बात। देखो मैं बेवकूफ नहीं हूं कि बार बार आपको ये करके दिखा रहा हूं, मैं इसलिए करके दिखा रहा हूं ताकि आपकी प्रैक्टिस भी ये बने, जब आप घर पे इनको सॉल्व करके देखें ना
या अगर इन वीडियो को एक बार और आप सुनेंगे, मैं इसको डाल दूंगा, तो एटलीस्ट ये प्रैक्टिस इसी तरीके से हो जैसे हिना ने अभी बताया, ये इसके साथ नहीं है, सबके साथ है, गलती ऐसे ही होती है। आप अभी ये कर रहे हो ना, डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ रहे हो, याद रहेगा, आगे आप ओएस पढ़ोगे, फिर नेटवर्क पढ़ोगे, फिर डीबीएमएस पढ़ोगे, फिर डिजिटल पढ़ोगे, जब आप 10 सब्जेक्ट पढ़ लोगे ना, 12-13 सब्जेक्ट, उसके साथ साथ आपको रीजनिंग पढ़नी है, एप्टीट्यूड पढ़ना है ना, इंग्लिश पढ़नी है, हिंदी पढ़नी है, जीके पढ़नी है, करंट अफेयर्स पढ़ने हैं, फिर ये बातें हो जाएंगी गायब। समझ गए आप बात मेरी क्या बोल रहा हूँ? इसलिए प्रैक्टिस ऐसे करोगे जिंदगी में गायब नहीं होंगे मरते दम तक भी। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, देखो ये भी प्रोसेस के ऊपर है। कंसिडर करना है एक एरे जिसका साइज 10 है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इंसर्शन करना है हमें 10 एलिमेंट्स का, 1 बाय 1, ठीक है, एरे में इंसर्शन का क्वेश्चन है मतलब ये, ठीक। इफ फर्स्ट 5 एलिमेंट्स आर इंसर्टेड एट लोकेशन 0, पहले 5 एलिमेंट किस लोकेशन पे डाल रहा हूँ बच्चों? मैं 0 पे, यानी पहले 5 एलिमेंट मैं यहाँ डालूंगा। रेस्ट 5 एलिमेंट्स आर इंसर्टेड एट लोकेशन नंबर 2, यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे करके पढ़ेंगे। देन टोटल नंबर ऑफ शिफ्टिंग एलिमेंट्स इज, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ शिफ्टिंग एलिमेंट मैं कितने करूंगा, ये पूछ रहा है ये क्वेश्चन। बात समझ में आ रही है बच्चों आपकी? हेलो, आ रही है बात समझ में? पहले 5 एलिमेंट मुझे कहां पे डालने हैं? 0 जीरो पे। वर्षा ट्राई करना है इसको, यस सर बाकी लोग भी कर सकते हैं भाई, सभी लोग करिए। हिना, पूजा, सब लोग, और जो प्रोसेस किसी को समझ में आए वो मुझे बताना। देखने में बड़ा क्वेश्चन लग रहा है कि यार ये कैसे होगा 30-35 सेकंड में सॉल्व, मगर ये बहुत आराम से हो जाएगा। सब ऑनलाइन क्वेश्चन पेपर में ही आए हुए क्वेश्चन हैं ये। प्लस इसके अलावा मैंने ये भी सोचा कि सेट बनाने शुरू करती हैं जो मुझे इंपॉर्टेंट चीज लगती है कि इससे बन सकता है, तो ऐसे मैं सेट्स बना दूंगा, ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर पे, जिस पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इधर उधर से क्वेश्चन ढूंढने की भी कोशिश खत्म हो जाएगी। जितने क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ उतनों को केवल इस तरीके से प्रैक्टिस कर लेंगे ना, जैसे मैंने आपको बताया, हम एक क्वेश्चन में कई कई क्वेश्चन पढ़ते हुए जा रहे हैं, फिर जरूरत नहीं पड़ेगी कुछ और करने की। प्लस जो आप पढ़ोगे वो इतना अच्छे से तैयार हो जाएगा कि आप उसके बिहाफ पे बहुत कुछ और भी कर सकते हैं। क्या आंसर आया भाई किसी का? वर्षा पूरा आंसर मत बता, शुरू में मुझे प्रोसेस बता दो, बहुत टाइम लगेगा ऐसे। प्रोसेस तो यही है कि इस पे लोकेशन 0 पे वन वन इंसर्ट किया पहला तो एलिमेंट वो इंसर्ट किया उसके लिए कितने स्वैप हुए? फिर 0 दूसरे एलिमेंट के लिए कितने होंगे? वन तीसरे के लिए? टू चौथे के लिए? पांचवे थ्री के लिए? फोर छठे के लिए? भाई 5 फाइव? ये नहीं होंगे फाइव। क्योंकि हाँ मतलब रेस्ट फाइव वो कहाँ पे डालने हैं? लोकेशन टू फिर पे लोकेशन डालने टू हैं, से काउंट करना है ना हाँ फिर जी। से तो हाँ वेरी गुड, बस बच्चों इतना ही करना है। 45, वेरी गुड। अभी निकाल के देखते हैं बाकी कैसे हो रहा है। गौरव ने दिया ये आंसर है। देखो बच्चों बहुत सिंपल था, हम कभी कभी क्वेश्चन पढ़ के ना घूम जाते हैं। पहला एलिमेंट हमें कहाँ पे डालना है? लोकेशन नंबर 0 पे। मान लीजिए आपने यहाँ पे एलिमेंट डाल दिया, वट एवर एलिमेंट जो आपने यहाँ पे डाला, मान लीजिए आपने ए डाल दिया, ओके, तो हमारा एलिमेंट ए यहाँ पे डल गया। अगला एलिमेंट फिर मुझे इसी लोकेशन पे डालना है ना, तो अब इस लोकेशन पे ऑलरेडी एलिमेंट पड़ा है, तो क्या मैं डाल सकता हूँ क्या? हेलो, तो पहला एलिमेंट जब आपने डाला तो उसके लिए तो कोई शिफ्टिंग करनी नहीं पड़ी, मगर जब दूसरे एलिमेंट को इंसर्ट करना है, पहले 5 मुझे लोकेशन नंबर 0 पे डालने हैं, तो दूसरे एलिमेंट को इंसर्ट जब मैं करूंगा, मान लो बी यहाँ डालना है, तो पहले ए को नीचे भेजना पड़ेगा, तब आप बी यहाँ डालेंगे, तो यानी दूसरे एलिमेंट के लिए एक शिफ्टिंग करनी पड़ी। तीसरा एलिमेंट मान लो आपको सी डालना है, वो भी लोकेशन नंबर 0 पे डालना है, तो पहले ए को भेजोगे यहाँ, बी को भेजोगे यहाँ, तो तीसरे एलिमेंट के लिए 2, ऐसे ही चौथे के लिए 3 हो जाएंगे, पांचवे के लिए 4 हो जाएंगे। देखो इसको लिखने में टाइम लगा कुछ नहीं। इसके बाद लोकेशन नंबर 2 पे कितने रेस्ट 5 डालने हैं, यानी मान लो यहाँ पे 5 एलिमेंट कुछ भी पड़े हैं, अगला एलिमेंट मुझे यहाँ पे डालना है लोकेशन नंबर 2 पे, तो मुझे यहाँ पे, अब देखो ये 3 एलिमेंट को नीचे शिफ्ट करना पड़ेगा कि नहीं पूजा? इन यस सर एलिमेंट को नीचे शिफ्ट करना पड़ेगा ना, यस यानी 6th एलिमेंट को जब मैं इंसर्ट करूंगा उसके लिए मुझे 3 शिफ्टिंग करनी पड़ रही है। तीन अब 7th के लिए कितनी हो जाएंगी? 4। 8th के लिए चार 5। 9th के लिए 6। 10th के लिए 7। बस अब इनको सिर्फ काउंट करना है,
पहले इनको कर लो, 4 3 7 2 9 और 1 10, ये आ गया 10, 7 6 13 और 5 18 और 4 22 और 3 25, तो आंसर 25 और 10 35 आया भाई, शायद 35 आपने बोला था गौरव या 45, पता नहीं। ठीक है, मेरे ख्याल से क्वेश्चन हो गया होगा, भारी था क्या इसमें कुछ? और ये क्वेश्चन बच्चों बेस्ड है किस पे? एरे के ऑपरेशंस पे, जिसको एरे के ऑपरेशंस क्लियर है, इंसर्शन। ना देखो बच्चों एल्गो कहीं आती ना कुछ आता, बट प्रोसेस से क्यों पढ़ाया है मैंने, जिसको प्रोसेस क्लियर है ना आपका कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं हो सकता जो छूटे। ठीक है, कौन सा नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है? लिंक लिस्ट कैसा है? लीनियर है। स्टैक कैसा है? लीनियर है। एरे कैसा है? लीनियर है। नॉन लीनियर में क्या पढ़े थे हमने? ग्राफ, ट्री और हैशिंग पढ़ी है ना। क्लियर हो गई बच्चों? तो यानी इसका आंसर हो जाएगा ग्राफ। कौन सी, देखो सॉर्टिंग एल्गोरिथम हैज एवरी केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, यानी मतलब क्वेश्चन में या तो ये मिसप्रिंट था कुछ या कुछ था। अब इससे जो सेंस समझ पा रहे हैं वो ये है, एवरी केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मतलब जिस एवरी केस में सेम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ना। अब देखो अदरवाइज अगर नई क्वेश्चन समझ में आ रहा है, क्विक सॉर्ट में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होती है? बेस्ट केस में ऑर्डर ऑफ एन, वर्स्ट में ओ एन स्क्वायर। सिलेक्शन सॉर्ट में, सिलेक्शन सॉर्ट में हर केस में ओ एन स्क्वायर स्क्वायर है ना। इंसर्शन में ओ एन और ओ एन स्क्वायर, बबल में ओ एन और ओ एन स्क्वायर। अब यानी आप एक बात तो समझ गए, तीन आंसर तो हो नहीं सकते, यानी ये पूछना क्विक चाह रहा शॉर्ट था। में आई थिंक एन लॉग एन और एन स्क्वायर सॉरी, एन लॉग एन एंड एन स्क्वायर, वेरी गुड। क्विक सॉर्ट में बेस्ट केस में बच्चों एन लॉग एन होती है, ना कि हमने अभी करा था ना टी एन इक्वल्स टू 2t n/2+n, दोनों लिस्ट हाफ हाफ पार्ट में ब्रेक हो जाती है, तो बेस्ट केस में इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है? एन लॉग एन, ना कि एन। ठीक है, क्लियर हो रही है बच्चों बात? देखो ये होता है जल्दीबाजी में गड़बड़ जब होती है चीजें, इसलिए मैंने उस क्वेश्चन में बताया था ना कि जब दो ऑप्शन पढ़ लिए तीसरा और चौथा देख लो, क्या पता तीसरा देख के आपको लगे अरे यार ये तो होता है, तो आपको फिर समझ में आएगा पहला में कुछ गलत तो नहीं पड़ गया, फिर आप ऊपर वाला ऑप्शन देखोगे कि ओ हो ये तो कोई और था इसलिए। ठीक, ये किसी ट्री वाले क्वेश्चन के लिए था। ये क्वेश्चन स्टैक का बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको इस पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करना है। ठीक है, तो कितने पुश ऑपरेशंस लगेंगे? देखो ये ए बी प्लस सी डी कुछ भी हो सकता था, मान लीजिए 6 5 प्लस और 9 3 प्लस और इन 2, ये ऑपरेशन होता, इसको आपको सॉल्व करना होता, तो कितने पुश लगते? सिर्फ इसने पुश ऑपरेशन पूछा ना, आपसे ये पूछा कि इसका रिजल्ट क्या है, ना कुछ और पूछा। रिजल्ट पूछता तब भी हम इस काम को कर सकते थे, मान लो रिजल्ट पूछता तो ये ऐसा कुछ क्वेश्चन दे सकता था। पूजा जी आप बताइए कितने पुश ऑपरेशन लगेंगे इसमें एक बार सॉल्व करके? पूजा या निताश्री आप में से कोई भी आंसर दीजिए। पुश तो सर 7 ही लगेंगे क्योंकि सारे एलिमेंट पुश करने पड़ेंगे। हाँ सारे एलिमेंट पुश करने पड़ेंगे, तो एलिमेंट तो 5 ही हैं, 4 ही हैं, ऑपरेटर एलिमेंट्स भी की तो अगर पुश आप करने बात पड़ेंगे। करें तो देखो हम करते कैसे हैं, आपका आंसर सही है 7 है, बट वो जैसे एलिमेंट्स पुश करने के लिए बोल रहे हैं उसके लिए मैं बोल रहा हूँ। 6 को पुश करते थे कि पुश करेंगे, अगर ऑपरेंड आता है तो हम पुश करते हैं, फिर 5 को पुश करेंगे, प्लस आता है तो 2 पॉप करते हैं, फिर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, फिर रिजल्ट को पुश करते हैं, जैसे 6 प्लस 5 11 होता है, 11 को पुश करते हैं, है ना। तो यानी प्लस के केस में 2 पॉप चलेंगे और 1 पुश चलेगा, चलेगा कि नहीं? तो यानी पुश तो इसके केस में भी हो गया। फिर 9 को पुश करेंगे, 3 को पुश करेंगे, प्लस आएगा, 2 पॉप करेंगे और 1 पुश करेंगे, फिर मल्टीप्लाई आएगा, 2 पॉप करेंगे और फिर 1 पुश करेंगे, तो यानी 7 के 7 पुश हो जाएंगे, आंसर सही है। क्लियर हो गई? हेलो, और इसका रिजल्ट अगर ये यस पूछता इस तरीके से क्वेश्चन होता तो हमें पता है 6 को पुश करेंगे, 5 को पुश करेंगे, जैसे ही प्लस आएगा 6 प्लस 5 मतलब 6 और 5 बाहर आएंगे, प्लस ऑपरेशन परफॉर्म होगा, 11 रिजल्ट आएगा, 11 को पुश कर देंगे, तो मान लो इनकी जगह क्या आ गया 11, फिर 9 पुश हो जाएगा, 9 आ गया, फिर 3 पुश हो जाएगा, अब ये प्लस आएगा तो 9 प्लस 3 होगा, रिजल्ट आएगा 12, पहले से ऑलरेडी 11 पड़ा है, 12 अब पुश हो जाएगा, प्लस इन टू करेंगे तो 12 और 11 बाहर आ जाएगा, इन दोनों में मल्टीप्लाई होगी, मल्टीप्लाई बट सेकेंड ऑपरेंड पहले आता है। ठीक है, तो 12 इंटू 11 नहीं होगा, 11 इंटू 12 होगा। कभी कभी ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेता है कि जब इनटू सॉल्व हो रहा है, मान लो इस क्वेश्चन में ऐसे पूछ लेता है जब इनटू सॉल्व हो रहा है तो इसका सेकंड ऑपरेंड कौन सा है, तो देखो 12 इंटू 11 लिखोगे तो आप सेकंड ऑपरेंड 11 बता देंगे, जबकि सेकंड ऑपरेंड क्या है 12 है,
मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? इसलिए अच्छा प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन तो कैसे भी बन सकते हैं घुमा के। जैसे क्वेश्चन ये बन जाता, व्हेन वी आर सॉल्विंग सेकेंड प्लस ऑपरेशन, सेकेंड प्लस ऑपरेशन को हम सॉल्व कर रहे हैं, तो व्हाट इज इट्स सेकेंड ऑपरेंड? तो जब हम प्लस को सॉल्व किया था सेकेंड वाले, तो पहले वाले प्लस को किया था तो 6 प्लस 5 था, तो सेकेंड ऑपरेंड 5 था। नेक्स्ट वाले प्लस को किया था तो 9 प्लस 3 था, तो सेकेंड ऑपरेंड क्या था? 3 था। आई थिंक क्लियर हो रही होगी आपको बात, है ना? वो कैसे भी पूछ सकता है कि इन टू को सॉल्व कर रहे हैं, पहला ऑपरेंड क्या है, ऐसे करके क्वेश्चन बन सकता है। ये क्वेश्चन हो गया होगा सबका। अब देखिए यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पूछी है उसने बेस्ट एल्गोरिदम की। अपने आप उसने बोल दिया बेस्ट एल्गोरिदम की, टू कंप्यूट एक्स की पावर एन, यानी पावर फंक्शन की बतानी है फॉर एनी रियल नंबर एक्स। अब हमें पता है पावर फंक्शन कैसे निकलता है, एक्स की पावर। अगर मुझे 10 निकालना है, दैट मीन्स एक्स को 10 टाइम मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 1 से लेके एन तक करिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको कॉम्प्लेक्सिटी मिल जाएगी, है ना? हेलो, मिल जाएगी ना? हाँ जी, तो इसकी वो तो कॉम्प्लेक्सिटी क्या निकल के आएगी अगर 1 से एन तक चला रहे हैं, तो ऑर्डर ऑफ एन। यानी मगर उसने क्या बोला है, द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बेस्ट एल्गोरिदम। अब देखो मैंने पावर फंक्शन कि पावर या इसकी जगह ऐसे बोल देता, द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ टू द पावर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी टू कंप्यूट एक्स की पावर एन यूजिंग डिवाइड एंड कंकर टेक्निक। तो डिवाइड एंड, या क्वेश्चन दे दे विदाउट डिवाइड एंड कंकर अगर बोल दे, तो आंसर आएगा ओ एन। और क्वेश्चन बोल दे बेस्ट एल्गोरिदम जैसा कि यहाँ पे दे रखा है, या यूजिंग डिवाइड एंड कंकर। तब मैंने आपको डिवाइड एंड कंकर में करना सिखाया था कि आपको एक्स की पावर मान लीजिए 130 निकालना है, तो आप एक्स इंटू एक्स करके एक्स स्क्वायर निकाल लीजिए, फिर जो भी एक्स स्क्वायर की वैल्यू आई उन दोनों को इंटू करके 4 आ सकती है, 8 आ सकती है, 16, 32, 64, ऐसे 64 64 की करके 128 आ गई। इसके बाद आप किसी से इंटू कर लीजिए, इसकी आपको 130 चाहिए ना, एक्स स्क्वायर से और इंटू कर लीजिए, वो भी तो एक्स स्क्वायर भी आपने कंप्यूट कर रखी है, तो 130 आ गई। कितने ऑपरेशन चलाने पड़े, सिर्फ 1 2 3 4 5 6 एंड 7 एंड 8, एक्स की पावर 130 निकल गई 8 ऑपरेशन में। तो इट इज नॉट ऑर्डर ऑफ एन, इट इज ऑर्डर ऑफ लॉग एन, लॉग है ना? मैंने आपको बताया था बाइनरी सर्च और ये सेम टाइप के हैं। जैसे आप इसको देखिए, यहाँ पे आपको एक्स की पावर मान लीजिए 256 निकालनी है, तो आप एक्स की पावर 128 और 128 की इंटू कर देंगे तो भी तो आ जाएगी। तो इन दोनों को अलग अलग कैलकुलेट क्या करना है, केवल एक को कर लो। इसके लिए एक्स की पावर 64 और 64 चाहिए, तो एक्स की पावर 64 को निकाल लो, बाद में उनकी इंटू कर देना। तो इसलिए इसका भी अगर रिकर्सिव फॉर्मूला बोले तो टी एन इक्वल्स टू टी एन बाई 2 प्लस 1 बनेगा, सेम लाइक बाइनरी सर्च। क्योंकि दो लिस्ट लिस्ट दो पार्ट में ब्रेक हो रही है, आपको केवल एक ही सब पार्ट सॉल्व करना है ना? तो क्वेश्चन ऐसे देखो, इसी में तीन क्वेश्चन बता दिए मैंने, चार बता दिए, तीन भी नहीं। अगर क्वेश्चन बनता है द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी टू कंप्यूट एक्स की पावर एन विदाउट डिवाइड एंड कंकर, ठीक है, आंसर आएगा एक्स की पावर ऑर्डर ऑफ एन यूजिंग डिवाइड एंड कंकर, या बेस्ट एल्गोरिथम पूछ दिया, आंसर आएगा ऑर्डर ऑफ लॉग एन। क्वेश्चन ऐसे पूछ ले विदाउट डिवाइड एंड कंकर, इसका रिकर्सिव फॉर्मूला क्या बनेगा, तो टी एन इक्वल्स टू टी एन माइनस 1 प्लस 1, ये बनेगा, क्लियर हो रही है? और विद डिवाइड एंड कंकर ये बन रहा है, इसे सॉल्व करेंगे ऑर्डर ऑफ लॉग एन आएगा, इसे सॉल्व करेंगे ऑर्डर ऑफ एन आएगा। ये बात समझ में आ गई? ये यही तो है, हर बार उसको एक घटा रहे हैं ना, पावर 10 चाहिए तो फिर 9 चाहिए, 9 के लिए 8 चाहिए, 8 के लिए 7, ऐसे करके घटा रहे हैं। क्लियर हो गई बच्चों बात या नहीं हुई? तो 5 6 क्वेश्चन हो गए इसमें। यस ये इस अगर पावर फंक्शन के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, तो इन 6 में से किसी एक तरीके से बन सकता है बस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्सिमम और मिनिमम निकालना है एक ही प्रोग्राम में, मैक्सिमम भी मिनिमम भी। अब देखो यहाँ पे इसने साफ साफ बोल दिया डिवाइड एंड कंकर एल्गोरिदम से बनाना है मैक्सिमम और मिनिमम दोनों, ठीक है। एलिमेंट्स दे दिए उसने, एन कितने हैं, 1024। टोटल कंपेरिजन कितने लगेंगे, मैक्सिमम के लिए कितने लगते थे बच्चों, एन माइनस 1 कंपेरिजन, मिनिमम के लिए कितने लगते थे, पहले को मानते थे पूरे से कंपेयर करते थे एन माइनस 1। मैंने आपको बताया था जनरल तरीके से आप करते हैं, एक ही एल्गोरिदम में दोनों चाहिए तो टोटल लगते हैं 2n-2। तो 2n-2 करते तो n की वैल्यू थी 1024, तो इंटू 2 से होती तो आता 2048, माइनस 2 हो जाता तो 2046, ये आंसर आप लगा सकते थे, है ना? दूसरा, जिसने याद कर रखी हो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, अच्छे यस मैक्सिमम सर मिनिमम, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो हमें याद है, ऑर्डर ऑफ एन होती है, तो वो आदमी क्या करेगा, अच्छा 1024 है ऑर्डर ऑफ एन, यानी इसने कंपेरिजन पूछे हैं
तो ऑर्डर ऑफ एनी तो होती है कॉम्प्लेक्सिटी, तो 1024 आ जाएगा। तो या तो ये आंसर लग जाता, या कोई ज्यादा दिमाग लगाता कि अच्छा एन माइनस वन, एन माइनस वन, एन माइनस वन से मैक्सिमम निकाल लूंगा, एन माइनस वन से मिनिमम निकाल लूंगा, तो 2046 दोनों केस में गड़बड़ हो जाएगी। उसने डिवाइड एंड कंकर टेक्निक बोली है। मैंने आपको मैक्सिमम मिनिमम निकालने का एक टूर्नामेंट मेथड भी कराया था, जिसमें आप क्या कर रहे थे, पूरी लिस्ट को दो सब लिस्ट में ब्रेक कर रहे थे, दो दो को कंपेयर कर रहे थे, है ना, टूर्नामेंट मेथड वाले में। तो जो बड़ा आ रहा था उसको इसमें डाल अच्छा रहे थे, एन बाई टू एलिमेंट यहाँ आ जाएंगे, एन बाई टू यहाँ आ जाएंगे, ब्रेक करने में टाइम लगेगा एन बाई टू। n अब by 2 ठीक इस लिस्ट में से एन बाई टू वाली में से मैक्सिमम निकालने के एन बाई टू माइनस वन टाइम लगेगा, इसमें से मिनिमम निकालने के लिए एन बाई टू माइनस वन लगेगा, ब्रेक करने में एन बाई टू लग ही रहा था। तो मैंने आपको बताया था इसमें होता है 3n/2 -2। देखो एन बाई टू, एन बाई टू, एन बाई टू, तो 3n/2 माइनस हूँ ये माइनस वन, माइनस वन, तो 3n/2 -2। ये वो फॉर्मूला है जब आप डिवाइड एंड कर। अब देखो कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी कितनी है बच्चों, ऑर्डर ऑफ एन ही है। तो यानी कभी कॉम्प्लेक्सिटी पे क्वेश्चन पूछे तो सेम ही बात है, बट अगर कंपैरिजन पूछ लिए एलिमेंट से, वहां पे भी मैंने आपको क्वेश्चन कराया था जब 100 एलिमेंट लिए थे तो विदाउट डिवाइड एंड कंकर आ रहे थे 198, जब हमने डिवाइड एंड कंकर टेक्निक का यूज किया था तो कितने आ रहे थे बताओ, 48 148 आ गए थे हमारे, है ना। तो सेम यहाँ पे भी यही हो जाएगा, आपके पास एलिमेंट कितने हैं, 1024, 3 से मल्टीप्लाई होगी इसकी, क्लियर हो रही है भाई। तो चाहे 3 × 1024 / 2, 512 की 3 से गुणा कर लीजिए, 500 की 3 से होगी तो 1536 माइनस 2 1536 करेंगे तो टू 1534 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर हो रही है बच्चों बात, हेलो सभी को मेरे ख्याल से क्लियर अच्छा हो गई होगी। बाकी वो वीडियो अगर किसी ने नहीं देखा है तो मैक्सिमम मिनिमम से वो भी वीडियो पड़ी है अब तो यूट्यूब पे, आराम से देख सकते हो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डेटा स्ट्रक्चर है कॉन्स्टेंट फर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब ऑर्डर ऑफ वन चाहिए। कॉन्स्टेंट का मतलब ऑर्डर ऑफ वन होता है ना, लीनियर का मतलब कितना होता है, ऑर्डर ऑफ एन होती है। अच्छा ये क्वेश्चन तो अभी ना हमने लिंक लिस्ट कर रखी है, हैशिंग नहीं की, ग्राफ नहीं किया, ट्री नहीं किया, बाद का क्वेश्चन है। सर लिंक लिस्ट बट लिंक लिस्ट, अच्छा लिंक लिस्ट में सर्च करने के लिए कितना टाइम लगता है राजा, ऑर्डर ऑफ एन लगता है। सर आप एक घंटा भी लिंक लिस्ट नहीं की, मन लिंक लिस्ट तो हो हाँ गई सॉरी लिंक लिस्ट तो हो गई है, मगर लिंक लिस्ट में टाइम कितना लगता है बच्चों, ऑर्डर ऑफ एन लगता है ना। ग्राफ में, ट्री में भी करते हैं, ट्री ट्रवर्सल आपने कर रखी है तो आप लेफ्ट राइट कैसे भी जाकर करेंगे, इसमें ऑर्डर ऑफ एन लग जाता है। ठीक है, ग्राफ में भी बीएफएस डीएफएस से करेंगे तो ऑर्डर ऑफ एन लग जाता है। हैशिंग आपको पता तो ही होगा ही सबको, हैशिंग क्या होती है, डायरेक्टली वन पहुंचने के लिए, है ना, तो हैशिंग में ऑर्डर ऑफ वन होती है, तो इसका आंसर हैशिंग होगा। जब ये पढ़ेंगे टॉपिक्स अपने आप क्लियर हो जाएगा, ये क्वेश्चन अभी हमारे लिए कंटेंट से बाहर है ना। ये है नॉन कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग, कल ही मैं आपको बता रहा था जब हमने सारी सॉर्टिंग की है, उसकी भी वीडियो पड़ी है शायद देख ली होगी। तो नॉन कंपैरिजन बेस्ड कौन सी होती है, मर्ज सॉर्ट में कंपैरिजन होता है, एलिमेंट्स का आपस में कंपैरिजन हो रहा है, हीप में भी कंपैरिजन करते हैं एलिमेंट्स का, क्विक में भी पहले को मानते हैं इधर से कंपैरिजन करते हैं, यानी ये तीनों कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग है। रेडिक्स में आप एलिमेंट की कंपैरिजन नहीं करते, आप प्लेस वाइज कंपेयर करते हैं, इसलिए रेडिक्स क्या है, नॉन कंपेरिजन बेस्ड सॉर्टिंग है। और ऐसी काउंटिंग सॉर्ट और बकेट सॉर्ट भी होती है, तो ये सॉर्टिंग टेक्निक सारी नॉन कंपेरिजन है। और जितनी आपने पढ़ी है, मर्ज सॉर्ट, हीप सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, एक्सचेंज सॉर्ट, ये सारी कैसी हैं, कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग है, ये तीनों नॉन कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग है। तो क्वेश्चन कैसे भी घुमा के बने आप और कर सकते हैं। वैल्यू ऑफ पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन, इसको सॉल्व करना है आप कर सकते हैं बहुत इजीली, और पेपर में कर रहे हैं आप तो देखो 7 जाएगा, 8 इंसर्ट कर दो, प्लस करेंगे तो प्लस के लिए दोनों बाहर आएंगे, 7 + 8 = 15 हो जाएगा। आप ऐसे ही मान के भी कर सकते हो, जरूरी ना है बच्चों की तरह सॉल्व करके ही देखना है। फिर 3 को इंसर्ट करेंगे, 2 को करेंगे, प्लस आ रहा है तो यानी 3 + 2 = 5 हो जाएगा, उसको इंसर्ट कर लो, डिवाइड आएगा तो 5 बाहर आएगा, 15 आएगा, यानी 15 / 5 होगा, रिजल्ट कितना आ जाएगा, 3, उसको वापस स्टैक में पुश करेंगे, यानी आंसर इज 3। क्लियर हो गया। अब देखो मैंने बीएफएस आपको जब पढ़ाया है वहां पे आपको क्या कहा था, बीएफएस में से क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा, कि उसकी एप्लीकेशन, एप्लीकेशन में मैंने 3-4 बताई थी, उसमें से सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कौन सी लिखी थी, ब्रेथ फर्स्ट सर्च वाली, वही क्वेश्चन यहाँ पे आया है। या जनरली क्यू में से और सर्कुलर क्यू में से क्वेश्चन आएगा ना, तो वो मैंने एम्प्टी एलिमेंट के लिए, ओवरफ्लो के लिए और अंडरफ्लो के लिए, और ओनली वन एलिमेंट, इनके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। फिर कुछ बनेगा तो फिर तो चलाने के लिए बन जाएगा, तो चलाना तो हमने बहुत अच्छे से किया, प्लस उसकी एल्गोरिदम्स भी किए हैं। तो पेपर के पर्सपेक्टिव से आपको ना तो एल्गोरिदम्स याद रखनी है, प्रोसेस ध्यान रखना है कि अच्छा इंसर्ट करते हैं तो करते कैसे हैं, ठीक है, क्योंकि कभी काउंटिंग है कुछ करने के लिए दे देगा, और वरना कॉम्प्लेक्सिटी रटनी पड़ेगी, अगर प्रोसेस याद है तो समझनी पड़ेगी। क्लियर,
तो बीएफएस बच्चों किससे होता है, स्टैक से या क्यू से? स्टैक यू से क्यू स्टैक क्यू से होता है, स्टैक की से डेप्थ एप्लीकेशन है डीएफएस, फर्स्ट डेप्थ फर्स्ट सर्च। अब ये देखो देखो दोनों रटने पड़ रहे हैं अभी के लिए, बट जब आप ग्राफ पढ़ लेंगे ना सबसे लास्ट में, तो ग्राफ में ग्राफ ट्रेवर्सल के लिए हम यूज करते हैं दो टेक्निक, बीएफएस या डीएफएस। जब हम बीएफएस यूज करते हैं तो हम यूज करते हैं क्यू का, और जब डीएफएस यूज करते हैं तो हम यूज करते हैं स्टैक का। जब वहां पे करेंगे तो रटना नहीं पड़ेगा स्टैक क्यों लग रहा है यहाँ पे, इसीलिए इसका नाम है डेप्थ फर्स्ट सर्च। स्टैक में आप डेप्थ तक जाते हैं, वो कैसे करेंगे जब प्रोसेस करेंगे आपको खुद समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिलहाल के लिए आंसर इसका है क्यू, डीएफएस होता तब आंसर होता है स्टैक। ओके, अब देखो इसे कॉम्प्लेक्सिटी के बढ़ते क्रम में रखना है। ठीक है, अब अगर आपको चार्ट याद है तो अपने आप बता सकते हैं आप कि कौन सा आपका बनेगा। ठीक है, अब बच्चों आप देखो, मैंने आपको देखो ये सारे सीधे सीधे नहीं है, घुमा के हैं। ठीक है, इसको आपने कर लिया तो बहुत कुछ आप करना सीख जाएंगे। एन स्क्वायर से आपको बड़ा दिख रहा होगा कि ये लॉग एन एन सारे बड़े हैं, पावर में देख रहे हो ना, पावर में एन जा रही है। हेलो, तो यानी सबसे छोटा तो एन स्क्वायर है, एफ फोर सबसे छोटा होगा, यानी ऑप्शन ये होगा या ऑप्शन ये होगा। ये बात समझ में आ रही है? हेलो, अरे ये सर बात समझ में आ रही है कि नहीं? एफ फोर सबसे छोटा है, असेंडिंग ऑर्डर में रखना है। अब यहां से तो बात होगी, आपको वैसे भी दिख रहा था एफ फोर सबसे छोटा है ही, तो यानी ये दोनों ऑप्शन है, ये दोनों तो वैसे भी खत्म हो गए। अब इसकी हेल्प से हमें ये पता चल गया सबसे लास्ट में कौन आना है, एफ वन। अरे बच्चों सॉल्व करने में थोड़ा ना स्मार्ट सर्चिंग भी करनी चाहिए, तो यानी हमें पता चल गया अब इन दोनों का तो हमें देखना ही नहीं है, अब ये दोनों में से कौन छोटा है बस वो देखना है। अब इसको अगर कभी आपको समझ में ना आए तो आप इन दोनों को ऐसे रख लो, आप पता नहीं चल रहा यार कौन है, या तो आप वैल्यूज रख के देख लो बच्चों, क्या रख के देख लीजिए, वैल्यूज, है ना। वैल्यूज मैं मान लीजिए वैल्यू रख लेता हूं, क्या कुछ ऐसी वैल्यू रख लो जिसका स्क्वायर या क्यूब निकल के आ जाए। अगर मैं 32 रखूं, क्या रखूं बच्चों, 32, 32 या 64 रख लो, 64 में लॉग एन भी हो जाएगा और अंडर रूट एन भी हो जाएगा, है ना। तो अगर 64 यस रख रहा हूं तो लॉग 2 बेस 64 कितना होगा बच्चों, 2 की पावर 6, तो यानी क्या आ जाएगा, 6, तो ये तो बन गया एन की पावर 6। पहला तरीका बता रहा हूं, दूसरा भी बताऊंगा, एन की पावर अंडर रूट एन, एन की वैल्यू कितनी रखी है मैंने, 64, 64 किसका होता है एट बच्चों, 8 का, तो यानी ये आ जाएगा एन की पावर 6, ये आ जाएगा एन की पावर 8, बड़ा कौन पावर है ना, समझ रहे हो आप मेरी बात। हेलो, तो यहां से आपको ये बात भी पता चल सर गई, लॉग एन से बड़ा होता है कौन, अंडर रूट एन, और अंडर रूट एन से बड़ा कौन होता है, एन। समझ गए आप कि नहीं? अरे बोलिए बच्चों, यस सर दूसरा तरीका और बता देता हूं, मान लो एन की पावर लॉग एन है और एन की पावर रूट एन है, ज्यादातर जो इस्तेमाल होता है ना लॉग लेने वाली टर्म यूज होती है कि दोनों साइड का लॉग ले लीजिए। अगर दोनों साइड का लॉग लेंगे तो वर्षा ये क्या बन जाएगा, लॉग एन इंटू लॉग एन बनेगा ना, ये टर्म आ जाएगी बाहर और इसका यस लॉग हो गया, ये चीज बन जाएगी अंडर रूट एन इंटू लॉग एन बनेगा। अब देखो सर लॉग एन से लॉग एन गया कट, अब ये क्या बचा है, कट लॉग एन, और ये भी बचा अंडर रूट एन। लॉग अब आप वैल्यू रख के देख लीजिए कौन बड़ा है, तो आप वैल्यू वही बात अभी 64 रखा था हमने, चाहे वो रख के देख लो, कुछ भी रख के देख लो, मान लो कोई बड़ी वैल्यू रख लो, 1024 रख लिया, तो 1024 का लॉग एन कितना आएगा, 10, जबकि अंडर एन रूट करोगे तो अंडर रूट देखो 30 का स्क्वायर कितना होता है, 900, यानी 33 का नाइन कितना होता है मेरे ख्याल से, 999 होता है या जो भी होगा, ठीक है 33 से तो बड़ा ही होगा, तो इसका अगर 1000 का भी करेंगे ना, 1024 का, तो लगभग 30 के, 30 से तो ऊपर ही ऊपर आएगा। समझ गए आप मेरी बात या नहीं समझे, बोलिए, 30 31, 31 से भी ऊपर सर आएगा शायद से, तो 10 बड़ा है कि 31 बड़ा है, 31 बड़ा है, तो यानी हमारा बड़ा कौन हुआ बोलिए, ये समझाना इसलिए जरूरी था, दो मेथड से समझा दिया, वहां पे आपकी मर्जी है। इस क्वेश्चन से आप बहुत कुछ सीख गए होंगे, पहली चीज तो ये समझ गए होंगे कि क्वेश्चंस जरूरी नहीं है कि हम इन चारों को लेके बैठ गए और अपना दिमाग लगा रहे हैं, है ना, पहले हमें दिख गया अच्छा ये तो सबसे छोटा है और हमने इस चीज को वेरीफाई भी कर लिया, ओके ऑप्शंस में है, अब यानी इन दोनों ऑप्शन से तो मतलब ही खत्म हो गया। अब इन दोनों ऑप्शन को ध्यान से देखा तो हमें पता चल गया एफ वन में भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब ये दोनों टर्म्स बची, अब इन दोनों टर्म्स को ले लो, वो तुम्हारी मर्जी है, लॉग इन लेके सॉल्व कर लो या ऐसे कर लो, लॉग लेने वाली टर्म ज्यादा बेहतर है। और यहां से एक चीज और याद कर लो, लॉग इन से वन से बड़ा होता है लॉग एन, लॉग एन से बड़ा होता है अंडर रूट एन, इससे बड़ा होता है एन, अपना जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया ना बड़ा रखने वाला, इससे बड़ा एन लॉग एन, एन स्क्वायर ऐसे करके, फिर 2 की पावर एन, देन 2 की पावर एन से बड़ा एन की पावर एन,
उस वाले फॉर्मूले को अपडेट कर लो, उससे भी आपके बहुत क्वेश्चन डायरेक्टली हो जाया करेंगे। क्लियर हो गई भाई बच्चों? नहीं? यस सर। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो फिर क्वेश्चन आ गया, स्टेबल कौन सी नहीं है? आंसर देगी निताश्री, देन हिना। निताश्री आंसर इसका। दे पौन घंटा होने वाला बच्चों, अभी बहुत सारे क्वेश्चन बच रहे हैं शायद। कितने हो गए? 30 के करीब तो हो गए। ठीक है, नॉट बैड। 10-12 मिनट हमारे उसमें भी चले गए ना, ये क्विक समझने में। एक क्विक सॉर्ट। ओके, हिना सही बोल रही है। सर। मर्ज सॉर्ट में ऐसे ऐसे करके हाँ होता है ना। इंसर्शन में भी हम क्या करते हैं, इसकी इससे कंपैरिजन ऐसे करके चलाते हैं। बबल में भी ऐसे ही होता है। मैं तो इससे ध्यान रखोगे ना आप, क्विक में क्या होता है, इसको मानते हैं, पूरे से कंपैरिजन करते हैं, देन स्वैप होता है। एक्सचेंज में भी ऐसा ही होता है, पहले को मानते हैं मिनिमम, पूरे से कंपैरिजन करते हैं, जो छोटा होता है उससे स्वैप होता है। सेम हीप सॉर्ट में भी ऐसा ही होता है कि क्या करते हैं, इसको डिलीट करते हैं, किसी एक से स्वैप करते हैं। ये तीन तरीके से अगर आप ध्यान रखेंगे ना, जिंदगी में गलती नहीं होगी। ठीक है, तो स्टेबल कौन सा हो गया, आंसर आपको सीधा मिल जाएगा कि आपका स्टेबल कौन नहीं है, क्विक सॉर्ट। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गोरिथम कैन नॉट सॉर्ट एन नंबर्स इन ऑर्डर ऑफ एन में कौन सॉल्व नहीं कर सकता। उसने बेस्ट केस वर्स्ट केस कुछ बोला ही नहीं है। अब देखिए ये क्वेश्चन अभी के लिए आपको, रेडिक सॉर्ट की हमने करी थी ना, ऑर्डर ऑफ एन आई थी कॉम्प्लेक्सिटी, तो यानी ये तो आंसर है नहीं। बकेट और काउंटिंग दोनों इसके जैसी होती हैं, बट मैंने ये दोनों ना भी पढ़ रखी होती तो बच्चों आपको हीप सॉर्ट मैंने बताई थी। हीप सॉर्ट में प्रोसेस तो मैंने बोला था ट्री कर लेंगे उसके बाद होगा, हीप सॉर्ट हमारी बच रही है। हीप सॉर्ट की बच्चों हर केस में एन लॉग एन होती है, एन लाइक मर्ज सॉर्ट। बट कैसे होती, हीप में बहुत सारे क्वेश्चन है। हीप में एक इंसर्शन में कितनी होती है, हीप में एन इंसर्शन में कितनी होगी, एक डिलीशन में कितनी होगी, है ना। हीप में मैक्सिमम फाइंड आउट करने की क्या होती है, मैक्स हीप में। मैक्स हीप में मिनिमम फाइंड आउट करने की कितनी होती है, मिन हीप में मैक्सिमम फाइंड आउट करने की कितनी होती है, मिन हीप में मिनिमम फाइंड आउट करने की कितनी होती है। तो 10-12 से भी ज्यादा क्वेश्चन है जो हीप सॉर्ट में आते हैं। कॉम्प्लेक्सिटी का तो कभी कम ही आता है, क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी यूज सबकी लगभग सेम होती है इसलिए। ठीक है, तो हीप सॉर्ट से सबसे ज्यादा क्वेश्चन मतलब कौन सा बन सकता है, एक तो पेरेंट वाला बन सकता है कि आयत का लेफ्ट चाइल्ड कहाँ होता है, तो 2i पे होता है। राइट कहाँ होता है, 2i+1 पे होता है ना। तो हीप सॉर्ट में से जैसे मैंने अभी ये 10-12 क्वेश्चन बता दिए ना, इसके बाद कुछ नहीं आता। या फिर पूछ लेगा एक इंसर्शन के बाद हीप क्या होगा या एक डिलीशन के बाद क्या होगा, ये 14-15 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन बनेगा हीप सॉर्ट में, डेफिनेटली, बात खत्म। तो फिलहाल अभी के लिए ये मैंने डाला था, ये नहीं था कि हीप सॉर्ट इसमें है, क्वेश्चन ऐसे थोड़ी देखे हैं। तो आपके पास हीप सॉर्ट की एन लॉग एन होती है, तो आपको बाकी होगी पता होती या नहीं होती, स्टिल आप क्वेश्चन सही कराते। क्लियर हो गई भाई? हेलो, है ना, ये वाला भी क्लियर था सबको? क्लियर हो रहे हैं ना यहाँ तक के सारे क्वेश्चन? ओके, अब इसके बाद आपके पास इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, तो अच्छा कोई ट्राई कर लीजिए, इतने जूम करना हो तो बताइए। ये दिख रहा है, जूम कर देता हूं। ये है आपका, देखिए यहां से तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। ये लूप चल रहा है कितनी बार, 1 से n तक, तो n तो कॉम्प्लेक्सिटी इसकी आ जाएगी। एन इनर लूप में अगर यस आप आएंगे तो n की वैल्यू j में डल रही है। ओके, n की वैल्यू मान लीजिए 50 थी, तो पहला लूप n टाइम यानी 50 टाइम चलेगा, n की वैल्यू इसमें गई। i चेक करेगा, तो i पहले 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3, फिर 4, यानी अंदर वाला जो लूप है हाफ टाइम ही चलेगा। यानी आप कह सकते हैं लूप n/2 टाइम चल रहा है, n टाइम भले चला लो मगर अंदर n/2 टाइम चल रहा है। अब इसके अंदर जो ये इफ है, तो ये लूप में थोड़ी कंसिडर का होगा कितनी बार चल रहा है, मगर ये हिस्सा अगर आप देखें तो जे की वैल्यू 1 से चल रहा है, कहां तक, जे प्लस प्लस अगर हो रहा होता तो ये लूप भी कितनी बार चल रहा होता, काइंड ऑफ एन टाइम चल रहा होता। लेकिन अभी जे बाई टू हो रहा है हमेशा, जे इक्वल टू जे बाई टू, दिख रहा है आपको बच्चों, जे की वैल्यू एन के बराबर हो रही है और हर बार वो बाई टू करके चलेगा। तो यानी इनर लूप चल रहा है आपका लॉग एन टाइम। क्लियर हो रही है बात? हेलो, सर ये आपने थर्ड लाइन कितनी बार चलाई है? कौन सी लाइन, फर्स्ट ये है, ये सेकंड ये है, आए थर्ड ये है, फोर्थ ये इससे है। नीचे। हाँ ये देख वर्षा, ये लाइन
अगर एन की वैल्यू 50 है ना, तो ये लाइन सिर्फ 25 बार चलेगी, है ना। तो हम ओवरऑल मान सकते हैं आउटर लूप अभी 50 बार चल भी गया, 50 के लिए तुम अंदर आ जाओ, पहली बार जब ये अंदर आए तो क्या ये लूप चलेगा? 1% 2 = 0, तो ये व्हाइल में जाएगा ही नहीं ना, अंदर वाला हिस्सा लॉग एन टाइम चलता, मगर अभी ये चलेगा ही नहीं। हेलो, देख यस तो बात क्या है, जब आप एन की वैल्यू 1 के लिए अंदर आएंगे, आप ऐसे मत काउंट करिए चलो कितनी बार चल रहा है कितनी बार नहीं, 1 के लिए आप अंदर आएंगे, एन की वैल्यू इसमें यस जाएगी, सर मान लो ये 100 है तो जे कितना हो यस जाएगा, 100 हो जाएगा। ओके, 1% 2 = 0 है क्या बच्चों? 1% 2 रिमाइंडर आएगा 1, तो 1 = 0 फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा तो आप अंदर जाएंगे ही नहीं, यानी कंपैरिजन कुछ नहीं चल पाया ना, एक ही बार चल पाया। बट जब आप यस टू के सर लिए अंदर जाएंगे ना, टू के लिए क्या होगा, ये फिर 100 हो गई जे की वैल्यू, 2 = 2 ये हो जाएगा 0, 0 कंडीशन हो जाएगी ट्रू ट्रू, आप अब अंदर जाएंगे, अब इनर लूप कितनी बार चलेगा, लॉग एन टाइम। तो 1 के लिए तो चल ही नहीं रहा, 2 के लिए चल लॉग रहा है इन लॉग टाइम एन टाइम, फिर 3 के लिए नहीं चलेगा, 4 के लिए चलेगा लॉग एन टाइम, फिर 5 के लिए चलेगा नहीं, 6 के लिए चलेगा लॉग एन टाइम। तो आप कह यस सकते हो सर 100 वैल्यू है, यानी एन बाई टू वैल्यूज के लिए कितनी बार चल रहा है, लॉग एन टाइम चल रहा है ना। अगर वर्षा तो यस एन सर बाई टू लॉग एन आ रहा है, तब भी स्टिल आप कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन। अगर मैं इस लाइन को हटा भी देता बच्चों, एक सेकंड के लिए ये कंसीडर कर लीजिए, ये लाइन है ही लॉग नहीं, है ना, तो यानी क्या होता, आई की वैल्यू 1 के लिए आप अंदर जाते, तो अंदर वाला लूप कितनी बार चलता, लॉग एन। तो हर किसी के लिए लॉग एन लॉग एन लॉग एन यस चलता, सर तो एन की एन वैल्यूज के लिए लॉग एन टाइम चलता, तो आंसर कितना आता है, एन लॉग एन। तो तब तो सीधा एन लॉग एन बोल देते, तो एन बाई टू लॉग एन को भी तो एन लॉग एन ही बोलेंगे, तो इसलिए इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आ जाएगी बच्चों, एन लॉग एन आ जाएगी। मेरे ख्याल से क्लियर होगी होगी बात सबको। भाई कोई ऐसा बच्चा जिसको लॉग समझ एंड में नहीं आई यस हो, समझ में आ गई सर होगी सभी को, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, ये सब पीजीटी के क्वेश्चन है, पीजीटी सीएस डी ट्रिपल एसपी के, कि कितने एलिमेंट हैं इसमें, तो कितने हैं, 6 × 4 × 2, जो अभी रिसेंट वाले हुए हैं वो भी मैंने ऐड किए हैं, बहुत आपको लगेगा तो बहुत ही हल्के क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन इसमें पीछे यूपीपीसीएल के भी थे, या एचपीएससी के आए हुए क्वेश्चन थे, या केवीएस के थे, या एनवीएस के, मैंने सिर्फ इन कुछ पेपर्स को कंसिडर किया है, केवीएस एनवीएस यूपीपीसीएल, ठीक है, और टीजीटी पीजीटी डी ट्रिपल एस बी के, बस इसके अलावा इन इस सेट में कोई क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि सबका स्टैंडर्ड, सब में 200 क्वेश्चन आता है और लगभग टाइम फ्रेम सेम रहता है। अब मान लो गेट के या किसी और चीज के उठाएंगे तो सब में टाइम वेरिएशन अलग अलग है, तो स्टैंडर्ड अलग अलग हो जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो कुछ था ही नहीं, एलिमेंट्स कितने हैं, तो 6 × 4 × 2 कर देंगे, तो एलिमेंट कितने आ जाएंगे, 48, ठीक। एक क्वेश्चन ऐसा आ जाता है, रिवर्स पॉलिश नोटेशन किसको बोलते हैं स्टैक वगैरह में, ठीक है, ये ट्री के लिए क्वेश्चन है, ट्री अभी हमने किया नहीं है, बट अभी के लिए आप ये याद कर लीजिए, जिससे तब क्वेश्चन करते हुए आंसर आसानी रहे। ये मैंने आपको अभी समझाया भी था जब हमने स्टैक किया था ना, स्टैक में आया था कि जो एक्सप्रेशन दे रखा था ना, मान लीजिए 3 + 2 × 5 + 6, इसको ऐसा बोल दिया इसने, पॉलिश नोटेशन में कन्वर्ट करो, तो पॉलिश नोटेशन का मतलब होता है प्रीफिक्स में, ओके, और रिवर्स पॉलिश नोटेशन का मतलब होता है यस सर पोस्ट फिक्स में। पोस्ट तो फिक्स जैसे अब देखो, अगर ट्री के केस में बात करें तो प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल को क्या बोलते हैं, पॉलिश नोटेशन, और पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल को क्या बोलते हैं, रिवर्स पॉलिश नोटेशन। तो ये चीज पता होनी चाहिए, प्री को क्या बोलते हैं, पॉलिश नोटेशन, और पोस्ट को क्या बोलते हैं, रिवर्स पॉलिश नोटेशन। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। हाँ जी बताइए। तो ये स्टैक में भी बन सकता है प्लस ट्री में भी बन सकता है, तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था तो यहाँ रख दिया। बोलिए गौरव, कुछ बोला था आपने, चलो छोड़ो। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिक्लेयर करती है एक वन डायमेंशनल एरे एक्स जिसके अंदर 50 एलिमेंट चाहिए, तो आप बना सकते हैं x50, है ना, 50 एलिमेंट बन गए। एक टू डायमेंशनल एरे ए जिसके अंदर 20 एलिमेंट्स हैं, 5 रो हैं 4 कॉलम, तो आप ए 5 रोज चाहिए 4 कॉलम चाहिए, ऐसे लिख सकते हैं, 5 × 4 20 एलिमेंट्स हो गए। अब नीचे ढूंढ लीजिए कौन सा आंसर है, ये वाला आंसर x50 तो ठीक है, ये 4 और 5 है, एलिमेंट्स तो टोटल 20 है, बट इसमें 4 रो हैं 5 कॉलम है, तो ये सही नहीं है, ये सही है। ये वाला देखें तो इसमें 3 एरे हैं, एक्स नाम का एक, और ए ऑफ 5 भी है, ए ऑफ 4 है, ये तो सिंटेक्स वाइज सही है ही नहीं, क्योंकि एक नाम के 2 एरे आप क्रिएट नहीं कर सकते। ये बात समझ में आ रही है बच्चों की नहीं, ये दोनों में एरर थी भाई, एक्स नाम का एरे बन गया, ओके, ए ऑफ 5 तो 5 एलिमेंट का एरे बन गया, ए 0 से ए 5 तक,
अगला एरे बना रहे हैं ये 4 का, बनेगा ही नहीं। क्लियर हो रही है? कोई बोल भी दो। ये एरर वाले क्वेश्चन भी सर। आएंगे आपके। अभी ये आपका पार्ट नहीं था, ये थोड़ा सी का पार्ट भी है, तो सी में करेंगे तो और अच्छे से ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। इनिशियल कंडीशन बच्चों क्यू की क्या होती है? जब क्यू की इनिशियल कंडीशन मतलब जब क्यू एम्प्टी है, तो रियर भी क्या होगा? -1। फ्रंट भी क्या वाली होगा? -1। तो यानी ये हो जाएगी। अगर वो पूछता जब क्यू में पहला एलिमेंट डलता है तब कंडीशन क्या होगी, तो फ्रंट भी और रियर भी कहाँ सेट हो जाएंगे? दोनों जीरो पे। अरे समझ आ रही है बच्चों? तो यानी ये फर्स्ट एलिमेंट के लिए ये हो जाता है ना। बस अभी तो इस वाली केस में यही क्वेश्चन सिर्फ बन सकते थे, मतलब जो सिचुएशंस इसने दे रखी हैं। फ्रंट और रियर एक बराबर है और इक्वल्स टू एन है। अच्छा कोई बताएगा इन दोनों के लिए क्या क्वेश्चन कभी बन सकता था? मतलब कोई एक ही ऑप्शन में होता उस टाइम पे। क्या सर? इन दोनों के केस में कौन सा क्वेश्चन बन सकता था? मतलब कोई क्वेश्चन यहाँ पे बनाइए जिसका आंसर इन दोनों में से कुछ होता, या ये दोनों भी हो सकते थे। बोलिए। जैसे फर्स्ट एलिमेंट अगर ये आता, विच विच व्हाट इज द कंडीशन फॉर ए क्यू फॉर फर्स्ट एलिमेंट, तब आंसर क्या होता? ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 1 या 4 कौन से किस क्वेश्चन के लिए हो सकता था? देखो एक क्वेश्चन से हमें कई सारे करने सीख लेने चाहिए। एलिमेंट्स हाँ बोलो। जब एलिमेंट्स, बोलिए आकांक्षा, राशि, प्रदीप, सर एमटी के लिए होगा। दोबारा बोलना, एम्प्टी। क्या क्या पूछा आपने? मैं क्वेश्चन ये कह रहा हूं, कब मान लो, कब आंसर मान लो, कौन सा ऐसा क्वेश्चन मैं लिखूं कि आंसर फोर्थ वाला हो? छोड़ो फर्स्ट वाले को भी, फोर्थ वाला हो। कौन सा ऐसा लिखूं क्या क्वेश्चन के लिए आंसर फोर्थ हो सकता था? जैसे मैंने इसका बनाया ना, कि जैसे फ्रंट ऑप्शन नंबर 2 कब आंसर होता, जब क्वेश्चन ये होता व्हाट इज द कंडीशन फॉर ए क्यू टू हैव फर्स्ट एलिमेंट, मतलब टू हैव फर्स्ट एलिमेंट, मतलब एक ही एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट पे है हम, तो फ्रंट इक्वल्स टू रियर इक्वल्स टू 0 होगा। इसका मतलब हमारे पास एक ही एलिमेंट है ना, अभी पहला फर्स्ट एलिमेंट पे है हम। बात समझ में आ रही है? सर फोर्थ के लिए होता जब दो एलिमेंट होते और मतलब उसमें से एक डिलीट हो चुका होता तो फ्रंट भी वो रियर के इक्वल हो देखो जाता। अगर हम मतलब कि वर्षा कभी भी फ्रंट और रियर बराबर होंगे कब? जब हमारे पास एक ही एलिमेंट होगा, है ना? होगा कि नहीं? मतलब यस ऑप्शन नंबर 2 भी बन सकता था सर। उसके लिए। ऑप्शन नंबर अगर आप 4 देखें, मान लो यहाँ पे कुछ और लिखा होता अभी, तो आप देख सकते हैं कब हमारे लिए क्या होगा। अगर हम यहाँ पे हैं फ्रंट भी और रियर भी, फ्रंट और रियर मैंने आपको बताया था नॉट इक्वल्स टू 0 है या नॉट इक्वल्स टू -1 है, और इक्वल है, दैट मीन्स क्यू इज हैविंग ओनली वन एलिमेंट। अब ये मैंने पहला वाला इसलिए हटाया था ऑप्शन में से, एक्चुअली ये बराबर तो है, बट जिस तरीके से हमें -1 और 0 दे रखा है, इसका मतलब हमें एन तक तो कभी पहुंचेंगे नहीं ना। अगर 6 एलिमेंट है तो मैक्सिमम इसका साइज कितना एन होगा? 5, माइनस वन तब होता एन माइनस वन होता। मगर ये दोनों सिचुएशन ये रिप्रेजेंट नहीं कर रही कि एक ही एलिमेंट है, कर रही है कि नहीं? ऐसा वाला क्वेश्चन जी। हमने पढ़ा था ना, कि फ्रंट और रियर अगर बराबर होते हैं और नॉट इक्वल्स टू -1 के हैं, दैट मींस क्यू इज हैविंग ओनली वन एलिमेंट। इस केस में भी है वो सिचुएशन, ये भी वन एलिमेंट के लिए, ये भी वन एलिमेंट के लिए, ये भी वन एलिमेंट के लिए, मगर इसके लिए आप ये भी कह सकते हैं कि ये क्यू का फर्स्ट एलिमेंट भी है। समझ में आ रही है बच्चों? फिलहाल जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग आंसर क्या हो यस जाएगा सर। आपका? उसके अकॉर्डिंग आंसर हो जाएगा आपका थर्ड वाला। ठीक, नेक्स्ट पे चलते हैं। लार्जेस्ट एलिमेंट ऑफ द एरे इंडेक्स को क्या बोलते हैं? अपर बाउंड अपर बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद ड्यूरिंग रिकर्सिव कॉल ऑल स्टैटिक वेरिएबल्स। बच्चों ये क्वेश्चन सी का है, जब सी पढ़ेंगे तब करेंगे, क्योंकि सी में आपने वो पढ़ा होगा, क्या बोलते हैं वर्षा, क्या चार चीजें होती है? रजिस्टर, एक्सटर्न, स्टैटिक और स्टैटिक ऑटो। ये चीज क्या ऑटो बोलती है इनको? इनको बोलते हैं स्टोरेज स्टोरेज क्लासेस। क्लासेस। ठीक है, तो जब हम स्टोरेज क्लासेस सी में पढ़ेंगे, उसका ये क्वेश्चन है कि हम स्टैटिक लेंगे तब क्या होगा, ऑटो लेते तो क्या होता, तो ये हम तब सीखेंगे। तो ये गलत गलती से रह गया होगा क्वेश्चन यहाँ। ये सर्कुलर लिस्ट कैन बी यूज टू रिप्रेजेंट, सर्कुलर लिस्ट से हम क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं? सर्कुलर लिस्ट समझ रहे हो, एक लिंक लिस्ट को सर्कुलर मान लो, उससे क्या चीज बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट हो सकती है? ग्राफ हो सकता है, स्टैक हो सकता है, क्यू हो सकता है, ट्री हो सकता है।
सर, क्यू को कर सकते हैं ना, तो क्यू हो जाएगा, है ना। स्टैक को तो ठीक सर्कुलर बनाते ही नहीं है ना कभी, है ना। तो क्यू को रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम, क्यू तो होती भी है ना, सर्कुलर क्यू बनाते हैं, तो सर्कुलर लिस्ट से भी सर्कुलर क्यू बना सकते थे, एरे की फॉर्म में भी ले सकते हैं। अब देखो इसने क्वेश्चन पूछ लिया, व्हाट इज द वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बबल सॉर्ट। यहां तक भी क्वेश्चन बहुत था, मगर इसने फिर भी बोल दिया इफ लिस्ट ऑफ एन एलिमेंट इज ऑलरेडी सॉर्टेड, ऑलरेडी सॉर्टेड है। अब देखो वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी उसमें क्या हो सकती है, सॉर्टेड है, बट उसने ये नहीं बोला ना किस ऑर्डर में सॉर्टेड है। अगर वो रिवर्स में, मुझे 5 4 3 2 1 पढ़ा है, मुझे चाहिए क्या था, सॉर्टेड चाहिए था, बट 1 2 3 4 5 चाहिए, तो ये रिवर्स हो गया ना। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसमें कितनी बनेगी, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। क्लियर हो रही होगी सबको? हेलो। यस हाँ सर, अब लिंक लिस्ट किसके लिए सुटेबल नहीं है बच्चों, पॉलिनोमियल मैनिपुलेशन के लिए, बाइनरीज चलो इसको तो छोड़ देते हैं अभी कि हमने देखा नहीं, ओके। रेडिक्स सॉर्ट के लिए इसको भी छोड़ देते हैं कि अच्छा हमारा दिमाग नहीं चल रहा। इंसर्शन सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट हम कर सकते हैं अगर नंबर्स को हम रखें लिंक लिस्ट की फॉर्म में। मान लीजिए यहाँ पहला नंबर पड़ा है, मान लो मुझे इन नंबर्स को सॉर्ट करना था, 8 12 4 3 और 9, है ना। प्रोसेस क्या है, 12 की 8 से कंपैरिजन होगी, अगर ये इससे छोटा है तो स्वैप हो जाएगा, मगर अभी इस केस में तो होता नहीं। तो बच्चों अगर ये ऐसे पड़े होते हैं तो क्या मैं ये काम तो चला ये सकता हूँ? स्वैप नहीं हो देखो पाएगा। मैं आपको एक बार करके दिखाता हूँ, तो आपका थोड़ा दिमाग खुलेगा, लिंक लिस्ट के लिए भी खुलेगा। 4 3 और 9 पड़ा है, मुझे लिंक लिस्ट में पड़े हैं ये एलिमेंट्स, ये हमारा फर्स्ट है ना। बच्चों आप इन्फो ऑफ फर्स्ट की कंपेयर कर लीजिए इन्फो ऑफ लिंक ऑफ फर्स्ट, अगर ये छोटा है तो स्वैप कर दीजिए, इसको टेम्प मान लीजिए चाहे शुरू में, क्योंकि फर्स्ट को तो मूव नहीं कर सकते ना, टेम्प मान के मूव कराते रहिए। तो इसकी मतलब आप इन्फो ऑफ टेम्प की कंपेरिजन करिए इन्फो ऑफ लिंक ऑफ टेम्प से, अगर ये इससे छोटा है तो इसको डालिए किसी वेरिएबल टी में, इसको डाल लीजिए इसमें इन्फो ऑफ टेम्प में, इसको उठा के डाल लीजिए यहाँ पे, स्वैप हो जाएगा। तो देखो होना क्या है एक्चुअली में, अगर ये इंसर्शन सॉर्ट की जगह दे देता हीप सॉर्ट या कुछ, तब ये काम नहीं हो पाता, क्योंकि हीप सॉर्ट में क्या होता है, उसके लिए हीप सॉर्ट या इंसर्शन सॉर्ट तो चलो अभी पता है, हीप ही तो नहीं कर रखा हमने, एक्सचेंज सॉर्ट तो कर रखा है। एक्सचेंज सॉर्ट में हम क्या करते हैं वर्षा, पहले को मानते हैं मिनिमम, पूरे से कंपैरिजन करते हैं, चलो मिनिमम निकालना तो आसान है, यहां मुझे पता चल जाता कि मिनिमम 3 है, मैं 3 के साथ इसका स्वैप करना मुश्किल हो जाता काम, समझ रहे हो मेरी बात, वो काम नहीं हो पाता। यस सर, ये बात सब बच्चे समझ रहे हैं क्या यहां पे? तो हाँ या अब आप देखो बाइनरी सर्च, पहली मैंने आपको जब लिंक लिस्ट पढ़ाई थी ना, मैंने यही क्वेश्चन आपको सिर्फ समझाया था कि लिंक लिस्ट में ना बाइनरी सर्च ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होता, पेपर में जब भी क्वेश्चन आएगा ना तो इस तरीके से जरूर बनेगा। तो बाइनरी सर्च में हमें चाहिए भी क्या, इनिशियल चाहिए का एड्रेस और लास्ट वाले का, और मिडिल का निकलता है बिगिनिंग प्लस एंड बाई 2 करके, लिंक लिस्ट में आपको पता है क्या डिवाइड करके हमें बीच वाले का एड्रेस मिलेगा क्या? आपको लिंक लिस्ट मैंने जब करनी बताई थी तो किसी को भी कहीं पे भी डाल सकते हैं ना, तो ये प्लस ये जोड़ के डिवाइड करके हमें कैसे पता चलेगा कि बीच वाला एलिमेंट यहाँ पड़ा होगा, तो ये काम हो ही नहीं सकता। तो यानी आंसर क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा बताओ, बाइनरी सर्च। मगर बाकी के लिए बाइनरी भी मैं बता रहा हूँ, देखो इंसर्शन सॉर्ट क्यों हो सकती है, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स पे चलता है, तो जो मैंने प्रोसेस बताया हो जाएगा। रेडिक्स सॉर्ट में क्या करते हैं, देखिए इनके रेडिक्स को कंपेयर करना है, ठीक है, वो भी काम सेम ऐसे ही हो सकता है। आप किसी भी चीज को 10 से भाग करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 10 से डिवाइड करते हैं, आप इसके रिमाइंडर्स पता कर सकते हैं, रेडिक्स पता कर सकते हैं इजीली, वहां से भी ये काम चल सकता है। पॉलिनोमियल मैनिपुलेशन किसको बोलते हैं, जैसे 2x² है, इसका कॉन्स्टेंट पार्ट यहाँ रख लीजिए, लिंक्ड लिस्ट में जरूरी थोड़ी है एक ही चीज रख सकते हो, इसकी पावर x³ थी तो 2 और 3 यहाँ रखवा लो, मतलब जो इन्फो पार्ट होता है इसमें जरूरी थोड़ी है एक ही डिजिट रखनी है, दो भी रख सकते हो, लिंक पार्ट में x का एड्रेस 2x³ + 9x + 3 था, तो यहाँ पे क्या रख लीजिए, 2 और x³ है, यहाँ पे 9 और x³ है, और आगे क्या है, 3x⁻⁰ है, और आगे कर दीजिए नल। अब इन सारे को जोड़ के देख लीजिए कि अच्छा ये लिंक लिस्ट क्या बन रही है, तो पॉलीनोमियल मैनिपुलेशन भी हो जाता है, और लिंक लिस्ट की मैंने एप्लीकेशन आपको बताई थी कि मेमोरी मैनेजमेंट के लिए भी यूज होती है, ठीक है। तो फिलहाल लिंक लिस्ट वाला, ये बाइनरी सर्च वाला तो आपने वहां पे किया होगा तो बहुत अच्छे से ध्यान होगा ही। प्रीफिक्स फॉर्म बतानी है बच्चों, इसको प्रीफिक्स में कन्वर्ट कर देना है जस्ट, तो ये काम आप कर लेंगे। हेलो बोलिए, सॉल्व करूं इसको? कर लेंगे सर सॉल्व इसको तो। करने का मैंने, अगर आपको सॉल्व करना भी है तो करने के लिए मैंने बताया था ए प्लस बी डिवाइड सी इंटू डी एक्सपोनेंशियल ई है,
तो आप, इसने ब्रैकेट दे भी रखा है यहाँ पे, तो इसने ब्रैकेट दे दिया है, ओके। तो ये ब्रैकेट गिवन है, अंदर वाले को देख लीजिए किसकी पावर ज्यादा होती है। तो देखो एक्सपोनेंशियल की इससे ज्यादा होती है, तो पहले एक्सपोनेंशियल सॉल्व हो जाएगा, यानी अंदर खुद ब्रैकेट लगा लीजिए। ए प्लस बी तो आप पहले अलग सॉल्व होना ही है, जब ये सॉल्व हो जाएगा तब क्या सॉल्व होगा, डिवाइड सॉल्व होगा। क्लियर हो रही है बच्चों? यानी कि अगर आप इसको करेंगे तो किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा, पहले ए प्लस बी प्रीफिक्स में करना है तो प्लस ए बी बन जाएगा, ये आ गया। इस डिवाइड को तो बाद में सॉल्व करेंगे, पहले इधर वाला चीज सॉल्व कर लीजिए। ये हो जाएगा ऐसे इसका रिजल्ट। सी के साथ जब इस सारे को सॉल्व करेंगे तो स्टार आ जाएगा पहले, सी आ जाएगा इधर। हेलो बोलिए भाई बच्चों। यस सर, और जब हम इसके साथ इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, डिवाइड आ जाएगा पहले। और देखो हमारे पास गड़बड़ क्या हो रही है, हमने ये ब्रैकेट खुद लगा लिया अपनी मर्जी से, और किसी ने बोला भी नहीं सर गलत कर रहे हो, गड़बड़ क्या कर रहे हैं, इसलिए ऑप्शन दिख नहीं रहा। देखो प्रोसेस को आप सही भी चलाते तो आप तो आंसर आप ये रखते ना कि अच्छा ये पूरा ए था, ये पूरा बी आ गया है, तो डिवाइड के लिए अब क्या आ जाएगा, डिवाइड आ गया पहले और ए प्लस बी और स्टार सी एक्सपोनेंशियल डी और ये आता, और ये ऑप्शन इसमें है नहीं। हमने गड़बड़ क्या करी है बच्चों, हमने ब्रैकेट पहला तो सही लगाया, ब्रैकेट लगा इसके बाद दिया। जब ब्रैकेट लगना था तो जो सॉल्व होता, मतलब हमने ब्रैकेट जो यहाँ पे लगा दिया, ये ब्रैकेट यहाँ नहीं लगता, पहले क्या सॉल्व होगा बच्चों, बी, जो इसका रिजल्ट डिवाइड। आएगा उसके साथ डी बी का रिजल्ट सॉल्व होगा, फिर फाइनली ए सॉल्व होगा। तो यानी ये जो आता है इसके साथ सॉल्व क्या हो जाता बच्चों, डिवाइड वाला सॉल्व होता, तो डिवाइड पहले आ जाता फिर बी, और इसके बाद तो ये बी लिखा हुआ था ही है ना, प्लस यानी ये है। क्या था, प्लस था, इंटू था, इंटू था, ठीक है। अब इसके बाद प्लस आएगा, तो प्लस के लिए ये पूरा बी है और ए इधर है, तो ए आ जाएगा ऐसे और प्लस आ जाएगा यहाँ, तो प्लस ए और फिर उसके बाद क्या है, डिवाइड, देन क्या है बी, प्लस ए डिवाइड बी, तब है इंटू सी अच्छा और ये, तो यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। मर्ज सॉर्ट टेक्निक के लिए कौन सी, क्या यूज करते हैं हम, कौन सी टेक्निक यूज कर रही है मर्ज सॉर्ट, डिवाइड डिवाइड एंड कंक्वर है ना। एंड इसके बाद बाइनरी सर्च के लिए अगर हम कर रहे हैं, अपर हाफ, देखो इन बाइनरी सर्च एल्गोरिदम डिटरमाइंस दैट द सर्च आर्गुमेंट इज इन लोअर हाफ में है, तो कौन सी स्टेटमेंट विल अप्रोप्रिएट वेरिएबल टू द अप्रोप्रिएट वैल्यू, कौन सी स्टेटमेंट सेट करेगी अप्रोप्रिएट वेरिएबल को, लोअर हाफ में बता रहे हैं बच्चों। मान लो 1 से 100 तक एलिमेंट होते हैं, फॉर एग्जाम्पल 50 निकलता मेरा मिडल है ना, पहली बार बिगिनिंग कितनी थी बच्चों 1, एंड कितना था मान लीजिए 100, मिडिल कितना निकला 50, वो कह रहा है मान लीजिए मैं ढूंढता 69, तो 69 कहाँ पे होता बच्चों एलिमेंट, लोअर हाफ में, ये यही कह रहा है कि लोअर हाफ में है, तो अगली बार के लिए मेरा सेट क्या होना चाहिए बताइए बच्चों, बिगिनिंग चेंज होना चाहिए कि एंड चेंज होना चाहिए बोलो, बिगनिंग यानी स्टार्ट करना चाहिए, स्टॉप को चेंज करना है या स्टार्ट को चेंज करना है, तो स्टार्ट को करना है, स्टॉप को चेंज करना है भाई, फर्स्ट हाफ स्टॉप को क्यों ना चेंज करना है भाई, सी सेकंड आंसर। फर्स्ट हाफ बोल रहा है, लोअर हाफ बोल रहा है, वो लोअर हाफ कौन सा होता है, ये अपर हाफ है ये लोअर हाफ है, तो लोअर हाफ लोअर में हाफ, ये सेट नीचे तो वाला कंसीडर करेंगे हाँ, तो सेकंड लोअर पार्ट। हाफ में सेकंड वाले को कंसिडर करेंगे, सेकंड वाले केस में बिगनिंग हो जानी चाहिए मिडिल प्लस वन, तो आप देख लीजिए स्टार्ट को हमें चेंज करना है, वो भी क्या करना है, मिडिल माइनस वन या मिडिल प्लस वन, तो मिडिल प्लस वन, अगर अपर हाफ में होता तो आंसर हो जाता स्टॉप को चेंज करना है, वो भी क्या चेंज करना है, मिडिल माइनस वन। देखो बच्चों अभी बिगनिंग कितनी होनी चाहिए, अगर लोअर हाफ में है तो बिगनिंग होनी चाहिए 51, एंड होना चाहिए 100, अगर अपर हाफ में होता तो मुझे कहां से कहां तक ढूंढना है, बिगनिंग तो 1 ही रहेगी और एंड की वैल्यू हो जाएगी 49 बस। लोअर तो हाफ ऐसे भी तो होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग, भाई साहब जैसे अगर आई थिंक एलिमेंट लोअर है, हाफ ये भी तो मान सकते हैं। नहीं जब आप ब्रेक कर रहे हैं तो एरे ऐसे है ना, तो ये अपर हाफ हो गया ये लोअर हाफ हो गया, ऐसे ही मानते हैं ठीक है। अब ये क्वेश्चन भी नीचे वाला जो है वो सी का क्वेश्चन है, तो मतलब वही एरे के, वैसे हाँ सर बताइए। लोअर बाउंड अपर बाउंड के अकॉर्डिंग मानने तो लोअर हाफ होना देखो चाहिए। बात ऐसी है, लोअर बाउंड इज समथिंग डिफरेंट और लोअर हाफ इज समथिंग डिफरेंट, लोअर बाउंड को आप हाफ से कंपेयर नहीं कर सकते, बाउंड का मतलब होता है जैसे अपर बाउंड या लोअर बाउंड, तो अपर बाउंड क्या होता है कि मैक्सिमम वैल्यू, लोअर बाउंड क्या होता है मिनिमम, है ना, तो आप इधर की तरफ आ रहे हैं लोअर बाउंड में, और ये यहां से यहां तक एरे अपर मतलब 0 से लेके इंडेक्स 49 50 जहां तक भी आप जा रहे हैं, वो लोअर बाउंड अलग चीज है ना, लोअर बाउंड का मतलब होता है स्टार्टिंग, अपर बाउंड का मतलब होता है एंड, लेकिन अगर हम लोअर हाफ कह रहे हैं तो वो अलग चीज है ना, हम पूरा एरे मान ओके रहे हैं इस एरे
देखो इसी में होता है केवल ये काम बाइनरी सर्च में कि एरे को दो पार्ट में ब्रेक करते हैं। अब दो पार्ट में हम हमेशा, अगर आप कभी भी किसी बुक या कहीं पे देखेंगे तो हमेशा बोलेगा कि अपर हाफ में है या लोअर हाफ में है, तो अपर हाफ हमेशा यही है, लोअर हाफ हमेशा यही है ना, ये जनरल बात है। तो इसे अपर बाउंड या लोअर बाउंड से कंफ्यूज मत करिए खुद को, अपर हाफ का मतलब हमेशा ये रहेगा ऊपर वाला, ठीक। तो आंसर ये है, अगर लोअर हाफ में होता तो आंसर होता ये वाला बुक सम, सॉरी लोअर हाफ में आंसर ये है, और अपर हाफ में होता तो हम किसको चेंज करते, स्टॉप को, और उसकी वैल्यू कितनी होती है, मिडिल माइनस वन। ये सी का क्वेश्चन है, उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। फॉरेस्ट सॉर्टेड लिस्ट, देखो हम कह रहे हैं डेटा ऑलरेडी सॉर्टेड है, कौन सी एल्गोरिथम बेस्ट काम करेगी। अब यानी हमें देख लेना है 1 2 3, ये खुद दे रखा है 10 तक, तो किसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आएगी। क्विक सॉर्ट की कॉम्प्लेक्सिटी बच्चों कितनी आती है, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर सॉर्टेड के लिए, है ना। यस हेलो, सर, इंसर्शन सॉर्ट की डबल कितनी शॉर्ट आती है, आंसर इंसर्शन की, इंसर्शन में ऑर्डर ऑफ एन आएगी, एन सिलेक्शन में ऑर्डर ऑफ एन एन स्क्वायर आएगी क्योंकि सबसे स्क्वायर कंपैरिजन करना पड़ेगा, बबल की भी ऑर्डर ऑफ एन आएगी। अब एन इन दोनों में के बीच में टाई है, लेकिन बात पता क्या है, बबल सॉर्ट क्यों आंसर होगा शायद से इसका। अब ये वही बात है ना, ये तो क्वेश्चन मतलब ऐसा है, अगर हम कॉम्प्लेक्सिटी के बेसिस पे देखें तो इन्हें इंसर्शन, वो सॉरी हाँ इंसर्शन या बबल में से एक ही देना चाहिए था, इसकी जगह इंसर्शन होगा सर, मैं इसकी बताऊं, जगह हीट सॉर्टेड दे देते। सॉर्टेड की वजह से पास वन की वजह से हाँ मैं डबल वही कह सॉर्टेड रहा में हूँ, बबल एक ही सॉर्ट पास में रहेगा। चूंकि हमारे पास पहले ही पास में हम सॉर्ट होके बाहर निकल सकते हैं, हमें सारे के सारे पासेस चला के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए आंसर बबल हो जाता। बट मैं वैसे बता रहा हूँ कि पेपर में फिर भी ये टाई वाला टाइप क्वेश्चन था, अगर ये इसकी जगह हीप रख देते या मर्ज रख देते तो क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाता, क्योंकि हीप की क्या होती है, एन लॉग एन। तो आपको दिख रहा है इसमें एन स्क्वायर है, एन लॉग एन है, एन एन स्क्वायर है, तो आपको क्लियर कट ऑर्डर ऑफ एन में बबल सॉर्ट लगा देते। क्लियर होगी बच्चों मैं क्या कहना चाह रहा हूँ क्वेश्चन। बट अभी के केस में ये सर दोनों टाई हो रहे हैं, टाई होने में भी मेरे हिसाब से, ये वही बात है कि अब उसने क्या सही किया होगा अलग बात है, बट 99.99% बबल सॉर्ट ही इसका आंसर रहेगा। रीजन, बबल सॉर्ट में हम पहले ही पास में बाहर आ सकते हैं। तो सोचिए ना, किसी में हमें ये काम बार बार एन टाइम, एन माइनस वन टाइम चलाना पड़ रहा है, इंसर्शन में क्या होगा, पहले पास में एक बार करके रुक जाएंगे, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार, तो वो हमें थोड़ा खुद को भी ऐसा लग रहा है ना कि यार इससे तो बबल सॉर्ट ही ठीक था वैसे। अब इसने क्वेश्चन पूछा किसकी कॉम्प्लेक्सिटी वर्स्ट केस में एन लॉग एन होती है। अब देखो मैं बार बार जैसे ये कर रहा हूं तो आपका रिविजन नहीं हो रहा क्या, ऐसे ही आपको करना चाहिए शुरू में, एटलीस्ट प्रैक्टिस के टाइम पे तो करो ना बच्चों, ठीक है। सर मैं इतना जोर दे रहा हूं तो आपको भी यही जोर देना चाहिए, बाकी आप करोगे वो आपकी गलती है। इंसर्शन सॉर्ट की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होती है वर्स्ट केस में, एन स्क्वायर। एन हीप सॉर्ट की स्क्वायर कितनी होती है, एन लॉग एन। एन लॉग मर्ज की एन कितनी होती है, एन लॉग एन। एन लॉग एन और क्विक की कितनी होती है, एन स्क्वायर, एन स्क्वायर है ना। अब पूछा है इसने एन लॉग एन किस किस की होती है, तो हीप की होती है और मर्ज की होती है, यानी सेकंड और थर्ड, आंसर दिख गया ना। ये सब पीजीटी डी ट्रिपल एस बी के क्वेश्चन हैं, आपको कुछ भारी लग रहे हैं क्या इसमें, वो पहले वाले जो थोड़ा दिमाग लगाने के थे, कोई यूपीपीसीएल का था, कोई कहीं का भी था, मगर ये तो बिल्कुल हलवा दिख रहे होंगे, ये भी इसी का है। फिफ्थ एलिमेंट बताना है जब वर्ड साइज डब्लू है, तो एड्रेस फिफ्थ का क्या होगा, आपको पता है ए ऑफ फाइव का एड्रेस आप कैसे निकालते थे, बेस एड्रेस प्लस कैसे प्लस करते थे, फाइव आई माइनस माइनस यानी फाइव माइनस लोअर बाउंड इंटू सी। सी क्या है इसमें, डब्लू दे रखा है, बन गया पहला वाला। कुछ है इसमें बोलिए भाई, निताश्री कुछ है इसमें, नहीं सर, ठीक चल रहा है सही काम, हाँ चलो बढ़िया है। गौरव चल रही है सही बात, आकांक्षा हाँ जी भैया ओके, हिना क्लियर है आपको भी, नेहा आपने तो हाँ शायद बहुत लेट ज्वाइन किया, आपको समझ आ रहा है, वीडियोस आपने यूट्यूब से देख ली थी, हाँ सर, मैं कनेक्ट कर पा रही हूँ, मैंने वो भी देख ओके लिया और आज का भी किया है तो काफी ठीक है, बेटर है पहले से। चलिए बढ़िया है। गौरव आपने हैंड रेस किया है, बताइए क्या कह रहे हैं आप, ये अपना आप हो गया, चलो ठीक है। अच्छा सही है सर, अभी आप पूछ रहे थे ना सब सर, ठीक है मैं सही है। आप रिप्लाई कर रहे हो, आपके उसमें ज्यादा प्रॉब्लम आती है ना, ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाउ मेनी कंपैरिजंस आर रिक्वायर्ड टू सॉर्ट एन एरे ऑफ लेंथ 5 इफ स्ट्रेट सिलेक्शन सॉर्ट इज यूज्ड, है ना, मतलब सिलेक्शन सॉर्ट को यूज कर रहे हैं, एरे सॉर्टेड है इन अपोजिट ऑर्डर, ठीक है, एरे अपोजिट ऑर्डर में ऑलरेडी सॉर्टेड है, ठीक। अब
लेंथ 5 है, तो 5 4 3 2 1 है। अब अगर हम इसको लें पूरे से कंपैरिजन करें तो स्वैप क्या होगा? हेलो, स्वैप 5 की 4 वन से सबसे 1 के साथ स्वैप हो जाएगा, तो 1 आ जाएगा ऊपर, 4 3 2 और 5 आ जाएगा नीचे। अगले पास में इसको मानेंगे, पूरे से कंपैरिजन करेंगे, स्वैप किसके साथ हो जाएगा? 2 के साथ, तो 1 आ गया यहाँ पे, 2 आ गया यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, 5 यहाँ पे। अब 3 की करेंगे तो किसी से स्वैप नहीं होगा, 4 का भी किसी से नहीं होगा और 5 का भी किसी से नहीं होगा, तो आंसर होना चाहिए 2। अब इसमें 2 कोई आंसर है नहीं। अब या तो स्ट्रेट सिलेक्शन सॉर्ट का कुछ और मतलब होता होगा, तो देखेंगे बच्चे। ये स्ट्रेट स्वैपिंग नहीं पूछ रहे भैया, कंपैरिजन पूछ रहे इसमें। कंपैरिजन है। ओहो सॉरी। अब देखो बच्चों ऐसे गड़बड़ हो जाती है कई बार, हम स्वैप निकालने लग गए और कंपैरिजन पूछ रहा है। तो आपको पता है बच्चों, सर इसमें कुछ आपको कहने की तो जरूरत भी ही नहीं है, आपको प्रोसेस कर रखा है। सिलेक्शन सॉर्ट को आपको पता है हर केस में ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर कॉम्प्लेक्सिटी होती है। रीजन क्या है? रीजन ये है कि हम बिना पूरी कंपैरिजन करे रुक ही नहीं सकते, एंड तक प्रोसेस चलता है। और हर पास में, पहले पास में एन माइनस वन कंपैरिजन होती है, दूसरे में एन माइनस टू, तीसरे में एन माइनस थ्री, अप टू वन, और इसकी कंपैरिजन हो जाती है एन एन माइनस वन बाई टू। ये क्वेश्चन करके देखने का भी नहीं था, अगर आपने प्रोसेस सही से कर रखा है तो। तो 5 × 4 / 2 तो आंसर आ जाएगा आपका 10। तो 10 कंपैरिजन टेन होनी ऑप्शन चाहिए, मैंने 10 पहले ऑप्शन में नहीं है तो गलत लिख रखा है इसने, यहाँ पे 10 होना चाहिए तभी आंसर होना चाहिए। ठीक है, ओके यस सर। बच्चों, ये अपने सिलेक्शन सॉर्ट सबने कर रखा होगा तो टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। 5 को मानेंगे, पूरे से कंपैरिजन करेंगे, स्वैप हो जाएगा। ठीक है, तो पहले पास में 4 स्वैप हुए कंपैरिजन, अगले में 3, फिर 2, फिर 1। 1 + 2 + 3 + 4 = 10, ऑप्शन गलत है। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा स्ट्रक्चर इज यूज टू इम्प्लीमेंट रिकर्सिव कॉल्स? रिकर्सिव कॉल के लिए हम किसको यूज करते हैं बताइए? स्टैक स्टैक को यूज करते हैं। हमें पता है फंक्शन कॉलिंग में कौन यूज होता है? स्टैक यूज होता है ना, क्यू यूज नहीं होता। बाइनरी ट्री का कोई मतलब नहीं है, हैश टेबल का कोई मतलब नहीं है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है कौन सा डेटा स्ट्रक्चर इफिशियंटली इम्प्लीमेंट कर सकता है प्रायोरिटी क्यू को? अब देखिए बच्चों, प्रायोरिटी क्यू इम्प्लीमेंट करनी है। प्रायोरिटी क्यू हमने पढ़ी थी तो मैंने आपको प्रायोरिटी क्यू में समझाया था कि इम्प्लीमेंट करते हुए हम दो चीजों का ध्यान रखते हैं। अब ये क्वेश्चन आपसे अभी होगा नहीं क्योंकि वर्षा आपने पढ़ रखा होगा वहां तक, बट ओके आंसर करने की कोशिश करना वर्षा। बाकी के लिए अभी ये मतलब एक्सप्लेन मैं इसलिए भी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि पार्ट नहीं है उसका। प्रायोरिटी क्यू आपने सर, पढ़ी है बट प्रायोरिटी क्यू के तीन, सर प्रायोरिटी क्यू के तीन ही क्वेश्चन बनते, एक वो इंसर्शन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, एक डिलीशन टाइम और एक हीप ट्री। अच्छा, हीप ट्री, ओके। तो आपने क्वेश्चन क्यों है पता है, ये हीप का क्वेश्चन क्यों है? अच्छा, हीप क्यों बनता है, इसका रीजन कुछ अगर देगी तो क्या देगी? सर ये तो मैंने आपसे पिछली बार भी पूछा था। ओके देखो बच्चों, इसका रीजन पता क्या होता है वो अब हीप करेंगे ना। वर्षा तेरे को ये तो पता है हीप क्या होता है? या तो मैक्स हीप होता है या मिन हीप होता है ना। मैक्स हीप में क्या होता है, नहीं मैक्सिमम एलिमेंट को सबसे ऊपर रखते हैं। जब ये डिलीट होता है तो पूरे हीप में से कंपैरिजन यस होके सर, सबसे इस, ये तो मैक्सिमम डिलीट हो गया, अब पूरे बचे हुए हीप में जो मैक्सिमम है वो सबसे ऊपर आ जाएगा, है ना। फिर नेक्स्ट टाइम फिर ऐसा है ना। यस अब इस, तुझे पता है हीप में एक सर, डिलीशन करने के लिए कितना टाइम लगता है? लॉग एन, है ना। अब एक्चुअली चक्कर क्या है, यस सर्कुलर लिंक लिस्ट तू बना लेगी ना, तूने इसके अंदर एलिमेंट डाल रखे हैं प्रायोरिटी वाइज, जिन जिन की जो जो प्रायोरिटी है, किसी की 5, किसी की 2, किसी की 9, किसी की 8, किसी की 7, किसी की 4। अब तुझे इसमें से ढूंढने में ना, भले से सर्कुलर है, हर बार में कौन हाईएस्ट प्रायोरिटी का है पूरी चलानी पड़ेगी, यानी ऑर्डर ऑफ एन टाइम लगेगा। सिंगल एंड लिंक तक लिस्ट करेगी तो भी, यस भाई सिंगल लिंक लिस्ट में ये हटा दे तब भी पूरे से कंपैरिजन करेगी, ऑर्डर ऑफ एन टाइम लगेगा। एरे में एलिमेंट पड़े थे 5, 2, 9, 8, 7, 1, मुझे पूरे से कंपैरिजन करके मैक्सिमम एंड निकालना पड़ेगा, एन टाइम लगेगा। जबकि हीप में, अगर आप हीप की फॉर्म में आपने अरेंज किया है तो आप जब डिलीट करते हैं तो आपको क्या मिलता है, मैक्सिमम वाला आ गया बाहर, तो मैक्सिमम प्रायोरिटी वाले को सर्व कर दिया हमने। अब इस पूरे बचे हुए यस हीप सर, में से जो मैक्सिमम है वो सबसे ऊपर आ जाएगा, और इस काम को करने में हमें सिर्फ लॉग एन टाइम लगेगा। क्लियर? तो हर बार हम लॉग एन में ओके पता सर, कर सकते हैं कौन सबसे बड़ा है, दैट्स व्हाई हीप ट्री इज आंसर। बच्चों दिमाग पे स्ट्रेस देना नहीं है, ये तीन आपने पढ़े हुए थे इसलिए मैंने एक्सप्लेन किया, आप इतना समझ गए होंगे कि प्रायोरिटी क्यू को इन तीनों से इंप्लीमेंट करेंगे तो ऑर्डर ऑफ एन टाइम लगेगा। जब आपका हीप हो जाएगा आप समझ जाएंगे क्यों मैं लॉग एन टाइम बता रहा हूँ। ठीक है, क्लियर भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्री का है, मैं अभी डिस्कस ही नहीं कर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है कि हमें आइडेंटिफाई करना है कौन सा नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। तो लिंक लिस्ट कैसा है? लीनियर है ना। स्टैक कैसा है? लीनियर है। ट्री कैसा है? नॉन लीनियर, लीनियर है। तो नॉन आंसर होना लीनियर। चाहिए ऑप्शन 3 ओनली।
खत्म। अगला क्या है तुम्हारे पास? ओके, बीएसटी का क्वेश्चन है, ट्री हमने नहीं किया तो बाद में करेंगे। अगला इसको पोस्टफिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ये खुद कर लीजिएगा। आपको बस इसको क्या करना है, पहले अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटी, बस बच्चों प्रायोरिटी वाला खेल आपने खेल दिया तो आप इस क्वेश्चन को बहुत आराम से, सिर्फ आप ब्रैकेट लगा लीजिए, मैं लगा के बता देता हूँ, सॉल्व आप कर लेना खुद से। ब्रैकेट्स आप लगाएंगे तो ये प्रायोरिटी वन का है, ये प्रायोरिटी वन का है, ये प्रायोरिटी वन का है, बाकी सारे प्रायोरिटी टू के हैं। तो आपको क्या करना है फिर, लेफ्ट टू राइट सॉल्व करना है। तो सबसे पहले अगर आप ब्रैकेट लगाना शुरू करेंगे तो सबसे पहली ब्रैकेट लगेगी इस पे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर इसके बाद सॉल्व होना चाहिए ये दोनों, फिर इसके बाद इसका रिजल्ट जो आ जाएगा इसके साथ ये, देन इसके साथ ये, इसको आप सॉल्व कर लेना, बच्चा भी कर सकता पहले है। हम डिवाइड वाला नहीं लेंगे भैया, कौन ई सा? डिवाइडेड बाय एस। देखो वो उसमें होता है जब छोटे बच्चे मैथ करते हैं, बॉड मास, ठीक है? देखो ये बॉड मास प्रायोरिटी सेम, अच्छा क्योंकि प्रायोरिटी नहीं, सेम है यहाँ तो पे क्या, हम लेफ्ट टू यहाँ राइट। पे क्या होता है, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के दो हैं लेवल्स, है ना, यानी प्लस डिवाइड और ये रिमाइंडर, ये तीनों लेवल वन पे आते हैं और ये तीनों लेवल टू पे। अब कंप्यूटर में ये काम नहीं होता कि पहले किसको सॉल्व करेंगे, इन तीनों में से अगर मान लो आपके पास ऐसे आ गया ना, ए मल्टीप्लाई बी डिवाइड सी मल्टीप्लाई ई और परसेंट एफ, अगर ये भी होते हैं ना सब, तो पहले क्या सॉल्व होगा, ये वाला, इसके रिजल्ट के साथ ये वाला, इसके रिजल्ट के साथ ये वाला, इसके रिजल्ट के साथ ये वाला, क्योंकि सारे सेम प्रायोरिटी हैं, है ना। हम ये जो नहीं लेफ्ट देखेंगे टू पहले राइट कौन सा, करेंगे। हाँ लेफ्ट टू राइट, अगर सेम प्रायोरिटी के हैं तो, ठीक है। ये वैसे हम जब सी करेंगे ना, सी लैंग्वेज हम पढ़ेंगे, तो ये क्वेश्चन है एसोसिएटिविटी ऑफ ऑपरेटर्स के ऊपर, तो ऑपरेटर्स और ये सब चीज डिटेल में पढ़ेंगे। मैंने आपको बोला भी था आप चैनल पे से, बट हाँ एसोसिएटिविटी की वीडियो मैंने उसमें नहीं बना रखी है, ऑपरेटर्स की सारी बनी हुई है, ठीक है, तो आप वहां से कर सकते थे। लिंक्ड लिस्ट इज एक कैसा डेटा स्ट्रक्चर है, ये सब बच्चों पीजीटी सीएस 2018 के क्वेश्चंस हैं, सारे के सारे एक साथ इसलिए पढ़े हुए हैं, सब पीजीटी सीएस आप 2018 का देखेंगे, मेल का शायद, तो उसी के क्वेश्चन है ये, ठीक है, वो डी ट्रिपल एस बी का, ठीक है। लिंक्ड लिस्ट इज ए कैसा डेटा स्ट्रक्चर है, नॉन लीनियर, इमेजिनरी, लीनियर या वर्चुअल, कैसा है, लीनियर, कहानी खत्म। लीनियर तो बहुत क्वेश्चन ऐसे आते हैं, बबल सेट की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है वर्स्ट केस में, तो कितनी होती है, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, अब तो डायरेक्ट डायरेक्ट हो रहा स्क्वायर। होगा। एक क्यू कैसा डेटा स्ट्रक्चर है, लीनियर की नॉन लीनियर, तो लीनियर है, यानी इन दोनों में से कोई ऑप्शन होगा। इसमें इंसर्शन जिस एंड पे होता है उसको बोलते हैं रियर, डिलीशन जिस पे होता है उसको बोलते हैं फ्रंट, यानी ऑप्शन हो जाएगा ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट ट्री का क्वेश्चन है, अभी नहीं कर रहे। हीप सॉर्ट की कॉम्प्लेक्सिटी, हीप की क्या होती है, निताश्री, कई बार बता दिया, अभी हीप किया नहीं है, बट कॉम्प्लेक्सिटी एन लॉग एन, तो आप सीधा लगा अनलॉक सकते थे, ठीक है। हाउ मेनी एलिमेंट्स, ये सारे के सारे जो आप क्वेश्चन आएंगे आपको चार पांच, ये सारे के 10 12, ये सारे क्वेश्चन जो हैं ये उसके क्वेश्चन आए हुए हैं यहाँ तक, 11 12 13 क्वेश्चन, ज्यादा ही है, 12 15 क्वेश्चन है कम से कम, ये टीजीटी 2017 के क्वेश्चन है, ठीक है। और देख लीजिए क्या लड्डू पेपर था, मगर हर चीज से क्वेश्चन थे, देखिए ये एरे का आ गया। और अभी बच्चों इसमें मैंने क्वेश्चन नहीं लिए हैं ट्री वगैरह के, मैंने कोशिश की है डिलीट करने की, बट जैसे यहाँ पे ये क्वेश्चन किसका था, हीप का, ये ट्री का था, तो मैं इस स्लाइड को डिलीट कर देता तो हमारे पास ट्री वाला नहीं बचता, इसलिए इसको रख भी लिया, ठीक है। बट स्टिल बहुत सारे अभी बच रहे हैं, ठीक। यहाँ पे कितने वैल्यूज हैं एरे के अंदर, तो अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस वन करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 14, अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड रो आ जाएंगे 14, कॉलम आ जाएंगे 12 -5 + 1, तो कितने आ जाएंगे 8, 14 × 8 क्या आ जाएगा, 112, खत्म। ये आपको एक रो मेजर मेथड से एरे स्टोर है, एरे है 1 to 5, 2 to 7, ओके, यानी इसके अंदर है 5 -1 + 1 यानी 5 रो है, 7 -2 + 1 यानी 6 कॉलम्स है, ओके नो प्रॉब्लम, ये हमने एम और एन की वैल्यू निकाल ली। इसने पूछा है 2 और 3 का एड्रेस क्या होगा अगर बेस एड्रेस 500 पे है, तो मैंने आपको इसका लिखना बताया था बहुत आराम से कैसे लिख सकते हैं, ए ऑफ आई जे का एड्रेस क्या होता है, बेस एड्रेस प्लस आई माइनस लोअर बाउंड इंटू सी प्लस जे माइनस लोअर बाउंड इंटू सी प्लस रो मेजर मेथड में रो वाले पार्ट में नंबर ऑफ कॉलम से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी अगर ये एम है और ये एन है तो यहाँ पे एन से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये पेपर में आपको लिखने की जरूरत नहीं है, मगर इसको प्रैक्टिस इतनी बार करिए कि डायरेक्ट पेपर में आप कैसे करते, जैसे मुझे फॉर्मूला पता था तो मैं सीधा क्या रखता, बेस एड्रेस यानी 500 प्लस आई माइनस वन करना था, ए ऑफ 2 3 का निकाल रहे हैं तो 2 है आई, यानी 2 माइनस लोअर बाउंड क्या है बच्चों इसका, 1, दिख रहा है, तो 2 माइनस 1 इंटू सी की वैल्यू कितनी है, कैरेक्टर वन एरे है तो यानी 1, और एन कितना है नंबर ऑफ सिक्स रोज यानी 6,
प्लस जे की वैल्यू कितनी है बच्चों, थ्री, इसका लोअर बाउंड है टू इंटू वन, तो आप 500 प्लस वन इंटू वन इंटू सिक्स यानी सिक्स, थ्री माइनस वन इंटू वन यानी 507। ओके, स्टैक इज ए कैसा डेटा स्ट्रक्चर है, स्टैटिक डायनेमिक इनबिल्ट या नन ऑफ दीज। तो स्टैक जनरली इनबिल्ट स्टैटिक है, मतलब उसका साइज फिक्स्ड होता है, ठीक है। आप अगर इसको इम्प्लीमेंट करेंगे यूजिंग लिंक्ड लिस्ट तो डायनेमिक भी बना सकते हैं, बट जनरली जैसे हमारे प्रोग्राम में हमें स्टैक का साइज डिफाइन मिल जाता है ना, जैसे रिकर्सिव कॉल को इम्प्लीमेंट करने के लिए मैंने आपको क्वेश्चन कराया भी था, ये कि ये मेन इसके अंदर लिख दिया था मैंने प्रिंट एफ हेलो, और मैंने इसमें फिर मेन को कॉल करा दिया था, इट वॉज द एग्जाम्पल फॉर ए रिकर्सिव फंक्शन कि मेन खुद को कॉल कर रहा है, मैंने फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ वो रिकर्सिव फंक्शन होता है। अब इसकी आउटपुट हमें लगेगी हेलो 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 इनफाइनाइट टाइम प्रिंट होगा, बट नहीं, हेलो प्रिंट होगा टिल द स्टैक लिमिट विल ओवरफ्लो, तो हेलो 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 प्रिंट होगा और बाद में स्टैक ओवरफ्लो एरर आ जाएगी, इनफाइनाइट टाइम नहीं चलेगा, क्योंकि कभी तो स्टैक भर जाएगा ना, क्योंकि रिकर्सिव कॉल को इम्प्लीमेंट करते हैं हम यूजिंग स्टैक। तो इस क्वेश्चन से आपके तीन चार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर हो रहे हैं। अभी हमने ऐसा क्वेश्चन किया भी था, थ्योरेटिकली क्वेश्चन आया था ना, इम्प्लीमेंट किससे करते हैं रिकर्सिव फंक्शंस को, ठीक है। ओके भाई, चले नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको पोस्टफिक्स नोटेशन में बताना है, इसकी प्रीफिक्स निकालनी है इस पोस्टफिक्स की, तो बहुत आराम से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। चलो ये अभी पहला ऐसा क्वेश्चन आया तो करके दिखा देते हैं। पोस्टफिक्स में ये दे रखा है, इसको किस में बनाना है, प्रीफिक्स में बनाना है, तो कैसे बना सकते हैं, ए बी के बाद इंटू आया होगा ना, तो इंटू को कर लीजिए पहले। अब ये चीज एक मानिए और सी और डी डिवाइड और प्लस। अब देखिए दो ऑपरेंड के बाद जब ऑपरेटर आया तब सॉल्व हो रहा है, क्योंकि सारे बाइनरी थे, तो इसलिए मैंने इसके दो के बाद स्टार आया तो इसको पहले कर लिया। अब ये है ए, ये है बी, तो इन दोनों के लिए तो लगा नहीं होगा, यानी सी और डी के लिए लगा होगा जिन दो के बाद आ रहा है, तो सी और डी के लिए, तो स्टार ए बी को तो रखिए एक जगह, और सी और डी इसके बाद डिवाइड था, तो यानी डिवाइड इन दोनों के साथ यूज हो रहा है, तो डिवाइड के साथ सी डी कर लीजिए। अब ये दोनों एक ऑपरेंड बन चुके हैं प्लस। अब देखिए ऑपरेंड वन है ये, ऑपरेंड टू है ये, इनके बाद है प्लस, तो प्लस को ले आइए पहले, तो प्लस स्टार ए बी और डिवाइड सी डी, ये आंसर है कहीं पे, प्लस स्टार ए बी स्लैश सी डी ऑप्शन वन। क्यू को इम्प्लीमेंट करते हैं यूजिंग बी एफ एस, स्टैक इम्प्लीमेंट करता किसको, डी एफ एस को। ओके, इफ इन ए क्यू इफ ए वैल्यू ऑफ फ्रंट पॉइंटर इज इक्वल टू रियर पॉइंटर देन क्यू। देखो ये वही ऐसा सा ही क्वेश्चन है जो मैं डिस्कस कर रहा था उस टाइम पे, क्यू में फ्रंट पॉइंटर और रियर पॉइंटर इक्वल है, तो क्या क्यू एम्प्टी है, हेलो नो no, नहीं, ये क्वेश्चन थोड़ा गलत बना हुआ है बच्चों। अच्छा एक बात बताओ, हो सकता है ना, ऐसा भी पॉसिबल है, अभी क्यू में है ही नहीं, अगर फ्रंट और रियर दोनों बराबर है, दोनों माइनस वन है ना, ये क्वेश्चन कंप्लीट पता कब बनता, जब यहाँ पे होता एंड नॉट इक्वल्स टू माइनस वन, तब पूछता अगर ये क्वेश्चन, तो 100% आंसर होता हैज वन एलिमेंट। अब देखो इज फुल नहीं है, फिर फुल हो ही नहीं सकती, यहां तक पहुंच के फुल होती रियर और फ्रंट, है ना, ये दोनों हैं तो फुल कैसे हो जाएगी, पीछे खाली नहीं पड़ी, मैन मे हैव वन एलिमेंट, ये बात क्लियर है, ठीक। इज फुल ये बात गलत ही थी, हैज वन एलिमेंट ये, सॉरी ये बात गलत क्यों है, मे हैव कह रहा है, मे थोड़ी है, एग्जैक्टली वन ही एलिमेंट होगा, ठीक है। इज एम्प्टी ये बात भी ट्रू थी, तो ये गलत क्वेश्चन उन्होंने सेट कर रखा था, बट वही बात है ना, उस टाइम पे डाल के वो आप फिर बाद में आपको डाइसी लग रहा है, तो अब कौन सा ऑप्शन चूज करना बेहतर है, आपको पता है बराबर के लिए इसने सेट करा होगा, इसके लिए आगे की लाइन लिखना भूल गया होगा, ठीक है, तो आप ये लगाओ, बाद में केस के चक्कर में मत पड़ो कि क्वेश्चन ही गलत था तो हम वो डाल लेंगे फिर चेक होगा जो भी होगा, ये चक्कर में नहीं पड़ना, उस टाइम पे दिमाग लगा फिर क्वेश्चन करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन रिप्रेजेंट एन एम्प्टी कंडीशन, एम्प्टी बतानी है फॉर ए सर्कुलर क्यू, सर्कुलर क्यू है एम्प्टी है, तो अच्छा एम्प्टी कब होगी, हेलो एम्प्टी कब होगी, अब इसने तो एम्प्टी कंडीशन के लिए सही से क्वेश्चन सेट नहीं किया है। एम्प्टी तो कब होती है, जब फ्रंट और रियर बराबर होगा और दोनों किसके बराबर होंगे, माइनस वन के, सर्कुलर हो या नॉर्मल क्यू, ये को आंसर होना चाहिए था, है ना। अब या तो ये कहना चाह रहा है कि एम्प्टी की कंडीशन चेक कर रहा है, मतलब अंडर फ्लो की, ये भी पीजीटी का क्वेश्चन है, क्योंकि जो भी इस सिंटेक्स में है ना, ये टीजीटी का था क्योंकि ये उससे कट है, मतलब पेपर से, बट ये ऑनलाइन वाला आपको दिख रहा होगा वहां से कट है, ठीक है। तो एम्प्टी कंडीशन है ये, तो एम्प्टी कंडीशन या तो ये अंडरफ्लो कंडीशन को चेक करने के लिए बोल रहा होगा, अंडरफ्लो कंडीशन कब चेक होती है,
बोलिए बच्चों, अंडरफ्लो कब होता है? अंडरफ्लो के लिए भी यही होनी चाहिए, मतलब ये तो आंसर में है ही नहीं। ठीक है, इस क्वेश्चन का भी ले लेता हूँ मैं फोटो, इसको बाद में देखते हैं कि ये क्या क्वेश्चन था। मेरे ख्याल से तो क्वेश्चन ही फिर ये रॉन्ग है, बाद में देख लेंगे। ठीक है, कौन सा विच ऑफ द फॉलोइंग सॉर्टिंग टेक्निक यूज एक्सटर्नल सॉर्टिंग। अब बच्चों एक्सटर्नल का मतलब पता है क्या कह रहा है? कह रहा है यानी कौन सी सॉर्टिंग टेक्निक इसमें से इन प्लेस नहीं है, नॉट इन प्लेस टेक्निक, यानी एक्सटर्नल स्पेस यूज कर रहा है। अब देखो बबल खुद में ही सॉल्व होता है, सिलेक्शन भी खुद में सॉल्व होता है, इंसर्शन भी खुद में सॉल्व होता है, मर्ज सॉर्ट को एक्स्ट्रा एरे की जरूरत पड़ती है ऑर्डर ऑफ एन साइज का, तो ये स्टेबल नहीं है, तो यानी आंसर हो जाएगा मर्ज सॉर्ट। ये बात सबको क्लियर हो गई होगी आई थिंक। हेलो, इसके बाद ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, इंप्लीमेंट भी करके दिखाया था कि मिनिमम नंबर ऑफ स्टैक कितने चाहिए टू इंप्लीमेंट ए क्यू ऑफ साइज एन, तो साइज एन के कितने चाहिए? दो। क्यू में भी आता तो भी सेम था। अब यहां सिर्फ डेफिनेशन ही पूछ ली, स्टेबल किसको बोलते हैं? तो बच्चों स्टेबल कौन सा होता है? जो मेंटेन करता है रिलेटिव ऑर्डर्स ऑफ अकरेंस ऑफ नॉन डिस्टिंक्ट एलिमेंट। समझ में आ रही है? नॉन डिस्टिंक्ट का मतलब जो डिस्टिंक्ट नहीं है, मतलब सेम एलिमेंट है, उनका रिलेटिव ऑर्डर सेम रहना चाहिए। जैसे मैंने आपको करके दिखाया था कि 3a, 3b और 1 था, आप इसको लेंगे पूरे से कंपैरिजन करेंगे अगर सिलेक्शन सॉर्ट में, तो 1 आ जाएगा ऊपर, 3b आएगा यहाँ, 3a आएगा यहाँ, इसको छोड़ दो, इससे कंपैरिजन होगी, ऑलरेडी सॉर्टेड है। तो अब आप देख सकते हैं जब ये सॉर्टेड होके छोड़ेगा तो 3b पहले आ गया 3a से, जबकि एक्चुअल में क्या था, ये वाला 3 इस वाले 3 से पहले था। तो यानी तभी तो हम कहते हैं सिलेक्शन सॉर्ट इज नॉट व्हाट, स्टेबल, स्टेबल है ना। ये बात क्लियर हो गई होगी आपको। चलिए नेक्स्ट, यानी इसका आंसर कितना हो गया बच्चों? बी, सी लैंग्वेज। अब ये सी का क्वेश्चन है, बट वही बात है, नीचे स्टैक का था इसलिए ये स्लाइड है यहाँ पे। परसेंट एलडी किसके लिए यूज होता है? लॉन्ग इंट के लिए, तो सिंपल है, इंट के लिए क्या यूज होता है? परसेंट डी। डबल के लिए क्या होता है बताओ? डबल इंट कुछ होता ही नहीं है, डबल फ्लोट होता है, तो ये गलत है। लॉन्ग डिस्टेंट भी उतनी होता है, दोनों वेरिएबल ही नहीं है, टाइप ही नहीं होता। ठीक है, स्टैक डेटा स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं बच्चों? फीफो बोलते हैं हम क्यू को, लिफो या फिलो बोलते हैं, है ना। तो ये आंसर हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ये भी सी का क्वेश्चन है, छोड़ देते हैं अभी। किसकी वर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन लॉग है? हीप की होती है, इसकी एन स्क्वायर है, इसकी एन स्क्वायर है, सिलेक्शन की एन स्क्वायर है, तीनों ही आंसर नहीं है, हीप आंसर हो जाएगा। क्लियर। स्पार्स मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? ये काम भी हम कर चुके हैं, है ना। क्या होती है? जिसके अंदर जीरो एंट्रीज ज्यादा होती है नॉन जीरो से, तो ये स्पार्स मैट्रिक्स की जस्ट डेफिनेशन का क्वेश्चन है। ये अभी ग्राफ का है तो अभी नहीं कर रहे। बाय डिफॉल्ट रिटर्न टाइप ऑफ एनी यूजर, एक्चुअली ये सी का क्वेश्चन है, बट अच्छा कोई बताएगा इसमें बाय डिफॉल्ट रिटर्न टाइप क्या होती है फंक्शन की? सी का अभी void. की हमने वॉइड होती है। ओके, इंटीजर। इंटीजर बच्चों इंट होती है बाय डिफॉल्ट रिटर्न टाइप। ठीक है, जब सी करेंगे मैं करके भी दिखाऊंगा आपको, और शायद आपने वो वीडियोस देखी हो तो शायद कहीं ना कहीं मैंने इसका जिक्र कर रखा होगा। जब फंक्शन की वीडियो मैंने आपको कही थी, पढ़ लेना आप, फंक्शन की उसमें बनी हुई है, पहली वीडियो में जरूर होगा डेटा टाइप जब समझा रहूंगा मैं, फंक्शन का रिटर्न टाइप जब समझा रहूंगा 200% उस वीडियो में इस बात का जिक्र होगा। तो आपने अगर फंक्शन की वीडियो तमीज से देखी होती ना, जो मैंने आपको 4 दिन पहले बोल दिया था कि इतने उतना पार्ट वहां से कवर कर लो जिससे कि हम सी जल्दी से कवर कर ले, तो ये आप ऑप्शन वैसे ही सही कर लेते। तो हर चीज कहीं ना कहीं काम आएगी, जो बोल रहा हूँ उसको उस हिसाब से कर लीजिए। एन एरे इज ए, तो एरे कैसा है बच्चों? प्रोबेबली द मोस्ट वाइडली यूज डेटा स्ट्रक्चर। ओके, इस बात को बाद में देखते हैं। होमोजीनियस हमें पता है, होमोजीनियस तो होता है एरे, यानी सारे सेम टाइप। होमोजीनियस का मतलब क्या होता है? जैसे हमने लिखा इंट ए 50, यानी 50 के 50 सब इंटीजर होंगे, ऐसा नहीं कुछ इंटीजर है, कुछ फ्लोट है, कुछ कैरेक्टर है, नहीं। एरे में एक एलिमेंट जैसा होता है, सारे ही वैसे के वैसे ही होते हैं, यानी एरे कैसा? होमोजीनियस होता है ना। रैंडम एक्सेस स्ट्रक्चर, तो एरे रैंडम एक्सेस है, हम कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। लिंक लिस्ट को मैंने यही बताया, लिंक लिस्ट इज नॉट ए रैंडम एक्सेस, लिंक लिस्ट में प्रोवाइड नहीं करते, इसलिए वो इंप्लीमेंट नहीं कर सकते ऐसी चीजें जहां रैंडमली किसी भी लोकेशन पे पहुंच सकता है, लाइक बाइनरी सर्च। तो यानी ऑल ऑफ दीज, तो चल जाएगा ये ऑल ऑफ दीज आंसर हो जाएगा, पहला नहीं है। ठीक है, अब बच्चे जिसने जैसा रट रखा है, होमोजीनियस देखते एकदम लगा देंगे, बट नीचे पढ़ेंगे तो रैंडम एक्सेस भी तो इसी का है, तो इसलिए नीचे वाला फिर देखोगे तो समझ में आ जाएगा। सॉर्टिंग का मतलब क्या होता है? डेफिनेशन पे है बच्चों वाली चीज है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए डेटा स्ट्रक्चर इन मेमोरी, मेमोरी में किसी चीज की रिप्रेजेंटेशन को हम क्या बोलते हैं डेटा स्ट्रक्चर की? एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप बोलते हैं। अब बच्चों एडीटी मैं बता भी दूं, कोई बताएगा एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप का मतलब क्या होता है? जैसे स्टैक क्या है? एक एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप है, क्यू भी है ना,
ये इनका मतलब क्या होता है सर? मतलब इनका कोई ना कोई वो डिफाइन होता है ना इनके फंक्शंस। हाँ, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप उसको बोलते हैं जिसमें कुछ उनके अंदर जो ऑपरेशंस होते हैं वो डिफाइन होते हैं। जैसे आप स्टैक है, अगर हम स्टैक यूज कर रहे हैं हमें पता है इसके अंदर हम कौन कौन से ऑपरेशन लगा सकते हैं, पुश लगा सकते हैं, पॉप लगा सकते हैं, ट्रेवर्स कर सकते हैं इसको, या हम एक पीप फंक्शन बताया था मैंने जो, या टॉप फंक्शन जो इसका टॉप मोस्ट एलिमेंट दे देगा। तो मतलब जिसके ऊपर, जिसका काम क्या है कि इस डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर क्या क्या काम हो सकता है वो, प्लस इसमें ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म होंगे, ये चीजें प्री डिफाइंड है, तो उस चीज को बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। यानी उस डेटा स्ट्रक्चर को मेमोरी में कैसे डिफाइन कर रहे हैं एंड एज वेल एज उसके ऊपर क्या ऑपरेशंस लग रहे हैं। कंप्लीट अगर ये भी लिख देना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर इन मेमरी एंड इट्स ऑपरेशन इज नोन एज एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। तो मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। अब जैसे क्यू है, तो क्यू पे क्या क्या ऑपरेशन लग सकते हैं। अब क्या स्टैक पे ये लग सकता है कि यहाँ पे एलिमेंट पड़े मैं इस वाले को निकाल लूंगा डायरेक्ट से? नहीं निकल सकता ना, क्योंकि हमने स्टैक में डिफाइन कर दिया। आप सिर्फ ये ही निकाल सकते हो या नेक्स्ट डालोगे तो इस लोकेशन पे डालोगे, यानी टॉप के ऊपर ही काम होगा। सबको क्लियर होगी भाई ये बात? नेहा, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप की डेफिनेशन क्लियर हो रही है? दाश्री, ओके। नेक्स्ट है आपका लार्जेस्ट एलिमेंट, तो ये तो आप बता ही सकते हो उसको क्या बोलते हैं लार्जेस्ट।